أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سب کو یہاں دیکھ کر اللہ کرے کہ ہم سب آج کا ایک بہترین سیشن کر کے یہاں سے اٹھیں اور تھوڑی سی یہ ٹیکنیکل ہیلپ چاہیے اس دوران ذرا آپ سب مل کر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے
इधर आएंगे सब ऊंची आवाज से पढ़ेंगे, सिर्फ आते मिलके पढ़िए प्लीज। सब ऊंची पढ़िए एक आवाज में। कोई टीचर है तो तजवीद टीचर, आप लोगों में से किसकी तजवीद अच्छी है? सुमित ना ये ऑन कर मैं आई डोंट नो कुछ भी, बस मुझे बोलना पर माइक ऑन है आवाज से। तो लोग सुपर स्टार्ट नहीं, ये तो स्लाइड्स किसकी दिख रही है इनको? मैं तो बिल्कुल भी नहीं सुनी, कैसे बोल मुझे नहीं पता क्या है ऑनलाइन हो सकती है सिस्टम के नहीं। यूट्यूब खोल देना ना, आगे से जूम खोल के दो और वो यूट्यूब की स्क्रीन खोल देते। कोई आप में से शेयरिंग करना चाहता है? बस ऑनलाइन वालों को साथ ले रहे हैं, एक दो मिनट की बात है। तो कोई आप में स्टूडेंट है? क्योंकि बाद में जब आप लोग बात करते हैं ना, तो उस वक्त थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, श्योर भी होता है। कोई आए माइक पे अपना कोई हिदायत का सफर, जर्नी कैसे ये सब शुरू हुआ है कोई, या मैं बताऊं कौन है? अभी आज हम एक दावत में थे तो वहां लोग अपनी शेयरिंग कर रहे थे, यानी हमारा जब दोपहर का प्रोग्राम था। और मैंने ये चीज फील की है कि जब हम हकीकत में इस चीज को लेते हैं ना कि किस तरीके से, ये वाला खोल लेना और इसमें माइक ले लें, बाकी वो फिर कर लेंगे। आप चेंज करेंगे स्लाइड तो मैं चेंज करूंगा स्लाइड। नहीं, यूट्यूब की स्क्रीन खोल रहे, इधर यूट्यूब की स्क्रीन इसमें खुल गए या जूम जी, आप में इसमें फोन कर लेती हूँ फिर उनको। असल में यहाँ मैं बिल्कुल ही वो अपने टेक्निकल स्टाफ के बगैर हूँ, यहाँ वाले साथियों के साथ अभी वो यानी इस तरीके से बात नहीं हो सकी ना, तो मैं करती हूँ कॉल आप लोग इंशाल्लाह रहे, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया होता है कि बाहर भी जाएगा ना, तो फिर उसकी वजह से ये फिर सारा कुछ मेरे जैसे अनाड़ी बंदे को भी मैनेज करना पड़ता है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, चंद मिनट में सेटल डाउन होगा। बस यही कहूंगी कि अल्लाह ने हमें बहुत ही प्यारा मौका दिया है ना, एक दूसरे से फायदा लेने का और देने का, और हिदायत का ये सफर जो है ये हमारे लिए बहुत ही कीमती सफर है। हम इसको जितना ज्यादा बेहतरीन तरीके से अवेल करते हैं, कभी कभी का एक लेक्चर ही होता है जो हमारी जिंदगी बदल देता है, और हम अपनी जिंदगियों के अंदर इस तरीके से खोए होते हैं कि वो जैसे वेकअप कॉल नहीं होती, एक बच्चा बड़ी गहरी नींद सो रहा है और उसके बाद उसको होता है अगर कोई भी चॉइस नहीं तो मेरे ही से खोल दे बस, मैं फिर खुद चेंज कर लूंगी। ठीक है, आप मेरा पावर पॉइंट खोल के इस पर बाद में जोन छोड़ दें, फिर वो बाद में जो भी होगा देख लेंगे। तो यही मैं बता रही थी कि आपके शहर के साथ हमारी बहुत ही प्यारी यादें भी हैं, अल्लाह ताला ने हमें बहुत बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों पे रखा है। तो ये जो सारा डिले हो रहा है सर, मेरे टेक्निकल स्टाफ के बगैर फिर मैं क्यों, लोग मुझे कहते हैं कि आप अपने एडमिन्स का इतना मतलब दुआएं देती हैं, इसलिए देती हूँ क्योंकि आज मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ ना। तो अगर आपसे बात करनी होती तो हम बहुत देर पहले के कर ही रहे हैं, लेकिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू उस्तादा जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू उस्तादा जी, हम रेडी। आइए शुरू करते हैं इंशाल्लाह, फिर इसके बाद जो भी चीज रह जाएगी वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, बस एक वो रेड सिग्नल का इंतजार होता है कि ग्रीन सिग्नल का। चलिए नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलो, ये फिर अटक गया, واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم الخير
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حتى أعمال The Leaking Bucket ये है हमारा आज का टॉपिक जिससे हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे इस बारे में कि हम में से बहुत सारे लोग हज भी करते उमरे भी करते नमाजें भी पढ़ते रोज़े भी रखते कमी नहीं है इबादत के नाते से मुसलमानों में आज भी इबादत के नाम से कोई कमी नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे बाकी चीज़ें जो हम करते हैं उनके भी ज़ाया होने का डर होता है तो आज के इस लेक्चर को आप क्यों सुने ये शुरू में चंद मिनट जो बात करती हूँ वो इसलिए होती है कि अगर कोई बाद में भी इस लेक्चर को सुन रहा है तो वो इस इंट्रो से ही डिसाइड कर ले कि मुझे सुनना है कि नहीं सुनना और मैं सुनूँ तो आखिर क्यों सुनूँ क्योंकि कुछ टॉपिक बड़े क्लियर होते हैं और बड़े अच्छे तरीके से हम उसको मैनेज कर पाते हैं लेकिन इस वक्त जो मौजू ये बहुत अहम है और अपने आप से भी और आप सब से भी माजरत करते हुए ख्वातीन के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है हम अपनी ज़िंदगी में कभी कभी बहुत ज़्यादा इबादत करने के बावजूद भी यानी हम आप देख लीजिए पढ़ने पढ़ाने में भी औरतें आगे होती हैं मर्द इतनी क्लासें नहीं लेते इतने कोर्सेस नहीं करते जितने औरतें करती हैं फिर इसी तरह से नफिल पढ़ने में तहज्जुदों में इबादत में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चूँकि औरत के मिजाज में मेहनत डाली है ना और औरत अपने मिजाज के अतबार से मेहनती भी होती है और मल्टीटास्किंग भी होती है जितने काम एक औरत इकट्ठे कर रही होती है अगर किसी मर्द को करने पड़े तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी वो दूसरा बच्चा पैदा करे क्योंकि जब एक औरत माँ बनने वाली होती है और उसके ऊपर जो कैफियत आती हैं वो अल्लाह को पता है उसके काम है हम ना औरत को अच्छा कह रहे ना मर्द को बुरा कह रहे लेकिन हम एतराफ़ कर रहे हैं ना मर्द हमेशा जूनी ट्रैक होते हैं बस सीधे चलो एक से ज़रा सी दूसरी चीज़ आती है परेशान होते हैं लेकिन औरत एक दफ़ा एक बच्चे का मुँह धो रही है तो दूसरे को खाना खिला रही है तो साथ सास को चाय भी दे रही है यानी औरतों के मिजाज के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं ना बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें जब बहुत सलाहियतें दी और आप देखें पूरे कुरान में जितनी भी सलाहियत चीज़ें हैं वो फीमेल की हैं ना चींटी का जिक्र है शहद की मक्खी का जिक्र है और इसी तरह से और बहुत प्रोडक्टिविटी औरत से है इसमें कोई शक नहीं है अल्लाह ने अपनी बहुत सारी सिफात ऐसी हैं जो औरतों के साथ जोड़ी जैसे खालिक होना अल्लाह सुब्हान तआला खालिक है अल्लाह ने औरतों को भी तख्लीक का काम दिया है अल्लाह खुद छुपा हुआ उसने औरतों को भी छुपने का हुक्म दिया है तो बिल्कुल इसी तरह इन सारी चीज़ों को अगर हम सामने रखें तो हमें अपने औरत होने पे मान होना चाहिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि मालिक तूने मुझे एक ऐसी मखलूक बनाया कि जिसको कह लीजिए कि तूने बहुत से काम सौंपे लेकिन कभी आपको ऐसा लगे कि पक्की भी हंडिया गिर गई सोचिए ज़रा खाना पका लिया लेकिन जल गया जरा सोचिए कैसा लगता है एक तो वो है ना किया ही कुछ नहीं सुकून से थे अब आप और मैं अपनी जरा सी इस दुनिया को आज की दुनिया को सामने रखें अल्लाह ना करे अल्लाह कभी ना करे मेरे साथ भी और आपके साथ भी आज छोटी मोटी कोशिशें जो भाग दौड़ हम करते भी हैं अगर किसी नेकी के लिए और कल पता चला ये सब तो ठीक है लेकिन इसको जीरो से जरब लग गई जीरो से जरब लग गई ज़िंदगी में आपकी सामने भी होंगे आज भी मुझसे किसी ने कोई बात अपनी शेयर मुझे याद तो नहीं है बात क्या लेकिन मुझे अपनी उन साथी की वो बात याद आ रही है उन्होंने कहा कि उनकी सारी ज़िंदगी की कमाई को ज़ीरो से ज़र्ब लग गई यानी फर्श से फर्श पे गिरने वाली बात थी हमारी ज़िंदगियों में ऐसे बहुत सारे मामलात होते हैं कि हमारी की भी मेहनतें ज़ाया हो जाती हैं तो अगर कल क़यामत के दिन ये आवाज़ लग गई कि तुमने जो लेना था ले चुके जो करना था कर चुके एक रिवायत से पता चलता है कि क़यामत के दिन कुछ लोग अपनी कुछ नेकियां ढूंढ रहे होंगे तो फरिश्तों से पूछा जाएगा कि मेरी कुछ नेकियां थी तो वो कहेंगे हाँ थी तो कहा किधर गई तो कहेंगे कि तुम जो गीबतें करते थे ना उसकी वजह से वो ज़ाया हो गई हफ्ते अमाल ये लफ्ज़ जो है ना मेरे दिल पे लिखा हुआ है और आप में से जो लोग क्लासेस लेते हैं या किसी कोर्स में आते हैं स्पेशली दौरे कुरान वो जानते हैं कि इसके साथ सूरह मोहम्मद जुड़ी हुई है पूरी सूरत मोहम्मद का जो मेन थीम है वो हफ्ते अमाल है अरबी जुबान में ज़ाया होने के लिए एक लफ्ज़ हफ्त आता है हबता उर्दू में जब बोलते हैं ना ज़ाया होना ये भी अरबी का ही लफ्ज़ है
एक बातिल होना था ला तुब तिलुआ मालको, अपने अमाल को जाया ना करो। बिल्कुल, एक बातिल होना होता है, एक हब्त होता है, दोनों में फर्क है। इंशाल्लाह आपके नसीब में होगा तो आपको ये चीज बताऊंगी, लेकिन इस वक्त आपके सामने जो बात रखूंगी वो यही है कि कुछ ना करने वाले को तो डरना ही है, बट बहुत कुछ करने वालों को तो ज्यादा डरना है। ये है आज का टॉपिक। अब आपका दिल करे तो आप सुने, आपका दिल ना करे तो आप बेशक ना सुने। मैं शुरू करूंगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुय्यसिर व तम्मिम बिल खैर। द लीकिंग बकेट, हफ्ते आमाल। आज हम अपना ये सेशन कुरान का दावती असलूब सीरीज़ का एक हिस्सा है। हर लेक्चर का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है और ये ख़ास तौर पे इसलिए होता है कि आप इसको बाद में भी सुन सकें, और जिनको बाद में इसको ढूंढना हो तो कहाँ ढूंढें। तो यूट्यूब नूरुल कुरान टीवी, NURULQURAN TV, एक ही लफ्ज़ इकट्ठा लिखेंगे तो इसके ऊपर आपको ये आज का लेक्चर कुरान का दावती असलूब सीरीज़ के अंदर भी दिखेगा बाद में इंशाल्लाह, अभी नहीं बाद में। फिर इसी तरह हमारे USA और कनाडा ट्रिप 23-24 के अंदर भी ये लेक्चर मिलेगा। और तहदीस नेमत के लिए कहूँगी कि आज का लेक्चर USA की बहुत ही प्यारी स्टेट, क्या स्टेट है आपकी? मिशिगन, और उसका बहुत ही प्यारा शहर डिट्रॉइट में से हो रहा है जी। ये आप अंदर का इलाका आप बोल दें, सारे मिलकर अपने शहर का नाम बोलें जी। बहुत ही अच्छी यादें इस शहर के साथ हमारी, और हमें इससे बहुत ही ज्यादा यानी मोहब्बत महसूस होती है। और वहाँ ये मस्जिद तो मैं देख के हैरान रह गई। कल रात हम जब विंसर के रास्ते कनाडा से USA में एंटर हुए तो अल्लाह का हुक्म है, नसीब की भी बात है, हमेशा की तरह यही किया कि हम लोग पहले मस्जिद ही आए। और मेरा दिमाग होता है कि जिस मकसद के लिए इतनी एफर्ट भाग दौड़ हो रही है तो उसी के लिए मैं क्यों ना पहले देख ले। तो ये आपका हॉल रात को देख कर सारा कुछ कर करा कर बता कर गए कि ये सब कुछ करना है ना, तो मैं देख के हैरान रह गई। आज से 5 साल पहले शायद हम आए थे तो इसी इसी बल्कि फुल हॉल था पूरा, ये बीच में डिवाइडर नहीं था तब, पहले भी इधर हो चुका है। लेकिन बाहर से आप देखिए कि कितनी जॉइंट मस्जिद, इतनी प्रेस्टीजियस मस्जिद। आखिर ये पानी से तो नहीं बनती ना, ये पैसे से बनती है, और इसमें जज्बे भी होते हैं, इसमें शौक भी होते हैं, तो इससे पता चलता है कि हम मुसलमान नेकियां कर रहे हैं। अगर कोई ये कहता है ना कि आज के मुसलमान को नेकी का शौक नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो खौफ है वो क्या है कि कहीं हमारी इस बकेट में सुराख तो नहीं। बहुत खतरनाक बात है, बहुत सारे लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने कराने के बावजूद भी क़यामत के दिन कहीं परेशान ना हो। फिर अगली चीज़ ये है कि हमारी इस सीरीज का जो मेन थीम है इस साल वो होप है, उम्मीद। और उम्मीद पे दुनिया कायम है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो हालात हैं, ख़ास तौर पे गज़ा की जंग के नाते से, मुसलमान अमूमी तौर पर दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, और गुस्से की कैफियत में भी हैं। यानी वो खट्टी मिट्टी कैफियत होती है ना, हर जज्बा अंदर है, और कहीं कहीं बेबसी भी है। और कुछ लोग जो बड़े बड़े एंकर्स हैं कह लीजिए कि वो कुछ मायूसियाँ भी फैला रहे हैं, ये ना होता वो ना होता। तो मैं आज के मौजू के मुताबिक है जो उम्मीद के साथ इसको जोड़ूंगी, अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। आज गज़ा में एक बच्चे का भी जो खून बहता है, और एक औरत के सर से जब शोहर की छत खिलती है या किसी माँ की कोख में से बच्चों को गिराया जाता है ना, तो ये ज़ाया नहीं होगा। अल्लाह कहता है कि मैं बंदे के एक एक अमल से वाकिफ हूँ, मैं उसके एक एक अमल को जानता हूँ, खूब जानता हूँ। फिक्र इस बात की कीजिए कि वो तो अपने ईमान की कीमत पे अल्लाह ताला से अल्लाह की रहमतों के साथ मदद ले ही रहे हैं, लेकिन कहीं कल हम इन पुरामन इलाकों में बैठे हुए एक बड़े ही खतरनाक जोन में इस वक्त हम, वी आर इन वेरी डेंजरस जोन एंड दैट इज कंफर्ट जोन। दुनिया का सबसे खतरनाक जोन जहां लोग बड़े शौक से रहते हैं, बड़ी मोहब्बत से रहते हैं, वो कम्फर्ट जोन है।
आज हम अपनी नस्लों को जिस कंफर्ट और जिस ऐश और आराम के आदि देख रहे हैं, वो जिसको आज से शायद 50 60 70 80 साल पीछे ले जाएं, तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि रुलाती है मुझको जवानों की तन आसानी, मुझे जवानों की तन आसानी कहते हैं लग्जरियस लाइफ, उसको मैं देखता हूँ तो मैं रोता हूँ। उनको खौफ था कि जब जवान बच्चों के अंदर रूहे जिहाद नहीं रहती, दीन की सर्विंग, अल्लाह के नबी के मिशन को आगे लेकर चलने का जज्बा नहीं रहता, तो वो बिल्कुल जैसे ठंडी हो जाती है ना कोई चीज़, वैसे ही है। आज की ये मुश्किल जो इस वक्त आई है ना, मैं आपको पूरे शरह सदर से कहूँगी, आपका शरह सदर है कि नहीं, आई डोंट माइंड, बट मेरा और जिस दिन से मैंने अमेरिका में कदम रखा है, और माशाल्लाह 2 माह से ज़ायद हो रहे हैं, कनाडा में भी बीच में हमारे 2-3, 2-2.5 हफ्ते लगे, मैं बहुत मुतमईन हूँ। हमारी यूथ, हमारी उम्मत मुस्लिमा की ये नस्ल जो इस वक्त ये जंग होते देख रही है, जिस शद्दोमत से, जिस जोश और जज्बे से वो बाइकॉट कर रहे हैं अपनी मनपसंद चीज़ों का, ये बड़े लोगों के बड़ी नस्ल का हाथ की बात नहीं थी। यानी इस जंग से उधर तो बच्चे मर रहे हैं, उनका तो जन्नत में जगह है, एहदल हुस्न यईन, दोनों में से एक वादा अल्लाह का उनके साथ पूरा हो रहा है, लेकिन इधर हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे बच्चों का सोया हुआ ईमान जाग रहा है, वो ईमान से निकलते निकलते बैक डोर से वापस आ रहे हैं। मैं सफर में होती हूँ पूरा दिन, मुझे खुद नहीं याद होता कल किसके घर थी, एक आधा दिन वो याद भी आते हैं, जाते हुए दिल भी दुखता है, आते हुए खुशी होती है, फिर तीसरे दिन भूल जाते हैं वो कौन सा नाम याद थे कौन थे। यानी वो ये नहीं कि लोग भूल जाते हैं, लेकिन वो पुरानी फाइलों पर अगली फाइलें आ जाती हैं। मैंने इतनी पॉजिटिविटी देखी है, इतनी पॉजिटिविटी देखी है, चूंकि ये लफ्ज अब बड़े कॉमन है ना इस वक्त, मैंने बच्चों को माओ से ये कहते सुना है, माओ व्हेन विल द वॉर विल स्टॉप, और वो क्यों कह रहा था, उनका फेवरेट ब्रांड था, लेते हैं ना नाम ले भी तो सबको ही पता है, कॉफी का ब्रांड है, तो कहती मेरा बच्चा इस कॉफी ब्रांड के बगैर रह नहीं सकता। तो एक दिन मुझे कहता है, जैसे वो बच्चे को ना ऐसे क्रेविंग नहीं होती, जैसे कभी रोजा खुलने से पहले बच्चों की कैफियत होती है कि माम कितनी देर रह गई रोजे में, तो कहने लगी, वो कह रहा है, कहते लगा कि मतलब उसकी फीलिंग क्या थी जो मैं अपने लफ्जों में दूं, कि जल्दी से जंग खत्म हो और जाके मैं तो कॉफी का कप लूं। तो मॉम ने कहा, बेटा इवन वॉर विल स्टॉप, अगर जंग भी खत्म हो गई हम नहीं पियेंगे। आप यकीन कर सकते हैं, एक बच्चा, ये अभी कनाडा में थी, वहां कहते हैं कि एक और कॉफी ब्रांड है कि उसके बगैर कनाडा की सुबह नहीं होती, वो बीवियों को डिस्टर्ब नहीं करते कि वो नाश्ते बनाए दे, वो कहते हैं, खुद ही बता रहे थे लोग कि मियाँ और बच्चे खुशी खुशी घर से जाते हैं क्योंकि हम रुकेंगे, अपनी पसंद का कोई सा स्नैक लेंगे और कॉफी का कप लेंगे। ये कहानी है ना, और किसी के हाथ में बच्चे ने देखा तो कहता है, मॉम हराम हराम हराम। आप मुझे बताइए कि ये कोई सिखा सकता था बातें? जिस तरह हमारे इन बाहर के मुल्कों के बच्चे क्यूरियस है ना पिक के लिए, कि ये नहीं खाना, ए नंबर्स नहीं खाने, फ्ला फैट नहीं खानी, लाट नहीं लेनी, क्योंकि बाहर की दुनिया में ये हम सबकी मजबूरी है ना कि कुछ खाने से पहले देखते हैं कि भाई ये इसमें कोई ऐसी तो नहीं। आपके बच्चों ने इस वक्त वो सारे ब्रांड्स जिस जो सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को कि जो मुसलमानों के ऊपर ज्यादती करते हैं, तो वो उनको उन्होंने उस लिस्ट में ये भी डाल लिया। यानी आप कह लीजिए, पुरुमीद रहिए, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। आपके बच्चों में बहुत ग्रज है और उनमें जुरत, और जितना इंस्टा पे और जितना मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर टिकटॉकर्स में यंग बच्चों ने शोर मचाया हुआ है, जवानों ने नहीं मचाया हुआ। तो सारी बात का खुलासा, आसान तक रहु शैयन वह हुआ खैरुल्लकुम, शायद तुम्हें कुछ चीज बुरी लगे लेकिन उसमें खैर होती है, बहुत बड़ी खैर निकलने वाली है इसके बाद इंशाल्लाह। ये झटके, ये वेकअप कॉल ऐसी हैं जैसे कभी किसी का कोई जिस्म काम करना छोड़ दे ना तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं, बिजली के झटके दिए जाते हैं इसलिए कि वो काम करना शुरू कर दे। तो इंशाल्लाह इन सारी मुसीबतों के पीछे बहुत बड़ी खैर है, शर्त एक है कि आज उम्मते मुस्लिमा अपने बच्चों और अपने घर वालों के लिए एक ऐसा दीन छोड़कर जाए। यानी इस वक्त जो मेरा एक हम और गम है ना, वो ये है कि दीन तो है लेकिन इसको मैच करना है,
अल्लाह के नबी और सहाबा के दिन से। फिर आज का जो टॉपिक है इसके बारे में जो हमारे पास कुरान पाक की आयात है वो है जी सूरत बनी इसराइल, जिसको सूरतुल असरा भी कहते हैं, आयत 36-38। आइए जरा इसकी रोशनी में समझकर फिर हम आगे मजीद बात करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد والفؤاد ولا تمشي في الأرض ولا تقف ما ليس به علم إن السمع والبصر كل أولئك كان عنه مسؤولا। थोड़ा सा इसको मैं दोबारा पढ़ती हूँ। ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا। और ऐ बंदे जिस चीज का तुझे इल्म नहीं इसके पीछे ना पढ़ के कान और आंख और दिल इन सब जबारे से जरूर बासपुरस होगी। पहला मैनर। फिर अगली आयत जिसमें और हुक्म है, वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नक लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल वलन तबलुगल जिबाल तूला। और जमीन पर अकड़कर और तन कर मत चल कि तू जमीन को तो फाड़ नहीं डालेगा और ना लंबा होकर पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाएगा। और फिर आखिरी आयत लेसन की 38 आयत जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु ज़ालिका काना सय्युहू इंद रब्बिका मकरूहा। इन सब आदतों की बुराई तेरे रब के नजदीक बहुत नापसंदीदा है। तो ये है जी अल्लाह ताला का अपने बंदों के नाम एक पैगाम। जरा देखिएगा मेरा आजकल मूड बना हुआ है कि हर पब्लिक लेक्चर में, जैसे कि आज का ये एक लेक्चर है, ये कोई क्लास नहीं है, ये कोई कोर्स नहीं है, ये कोई इंटेंस बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको कुरान के टेक्स्ट से जोड़ती हूँ। अरबी आयत खोल के सामने देखिए, आपको स्क्रीन पे भी दिखेगी और दिख रही होनी चाहिए, उधर दिख रही है कि सेम चीज़ है। आई डोंट नो ये कौन सी स्क्रीन खुली हुई आपके पास, मुझे इसको देखना होगा। अच्छा अब इसमें असल में आज वो कुछ ज्यादा भी टेक्निकल चीजें हो गए, अब दिखेगी, अब मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो इस इन आयात में अल्लाह ताला ने बंदे के साथ जो बात की है जरा सा इसको समझिए, और वो क्या है कि कुछ मैनर सिखाए गए हैं। आप जरा से इस कर्सर के साथ मैं जब हिलाऊंगी ना तो आप देखिएगा वला तकफू। कभी आपने ये लफ्ज उर्दू में सुना या ये क्या लफ्ज है? अभी तर्जमा तो आपके सामने ये रखा कि और है बंदे जिस चीज का तुझे इल्म नहीं इसके पीछे ना पढ़। अब जरा से इसका लफ्जी तर्जमा करके देखते हैं कि इसमें किसका क्या मतलब है। वा और ला नहीं, तकफू पीछे पढ़, माँ जो लैसा नहीं, लका ते तुझे बिही साथ उसके इल्म निल। कितनी घुमाई फिराई भी बात लग रही है, सीधी बात तो नहीं। ये आयत आपको मुझे एक किस्म का अल्लाह का ये पैगाम दे रही है कि जिस चीज के बारे में तुझे नहीं पता उसके पीछे ना लग। लेकिन ये इतना कोई यूनिक स्टाइल है, अगर आप इस आयत की तफसीर इल्मुल बलागा की रोशनी में करें एटलीस्ट सिर्फ इस एक जुमले पे एक घंटा बात होगी। लेकिन मेरा आपको उलझाना मकसूद नहीं, सिर्फ एक ख्वाहिश और एक तमन्ना कि कुछ वक्त अपनी जिंदगियों का आपको मुझे मजीद लगाना है, मजीद कुरान सीखना है। चाहे हम पिछले 10 साल से पढ़ रहे हैं, 12 से पढ़ रहे हैं, 15 से पढ़ रहे हैं, याद रखिए कि इल्म एक चश्मे के अंदर या एक कुएं में से पानी लेने वाली मिसाल पे है। पहली दफा का कुरान बड़ा रुलाता है, कोई बता रहे थे, रोज बातें हो रही होती हैं, सुबह या कल थी बात, कोई कह रहा था पहली दफा कुरान पढ़ा, रोती रहती थी, रोती रहती थी। फिर उसके बाद दोबारा तिबारा भी पढ़ा तो रोना नहीं आता था। फिर ये बल्कि इधर ही बैठे होंगे, आज ही दोपहर के लंच पे बात हो रही थी, फिर होती थी, फिर ये होता था, फिर कहती हैं कि मैंने आपको सुनना शुरू किया फिर मेरी आंखें गीली होनी शुरू हो गई। पहले मैं समझती थी मैं सुन हो गई हूँ, मेरा दिल मर गया, लेकिन नहीं, फिर जब मैंने फलां वक्त से आपका सुना तो ये हुआ, तो अब मैं रोती तो यू ना। याद रखिए पहला कुरान पहली मोहब्बत है। पहला बच्चा आने वाला हो घर में तो सबकी पांव टिकरे होते हैं जमीन पे। कुरान के साथ जो पहला ताल्लुक होता है ना, ये बड़ा जज्बाती ताल्लुक होता है। हम सब पहली दफा, आप में से किसी ने, सब ने पहली दफा कभी दौरा कुरान किया हो, पूरा कुरान किया हो हाथ में, सबने किया हुआ ना,
मेरा गुमान आप सबने किया होगा, माशाल्लाह डिट्रॉयट तो बड़ा पढ़े लिखे लोगों का शहर है, कुरान की क्लासेस स्टूडेंट्स बहुत सारे इधर है। याद है आपको पहला कुरान क्या था? सिर्फ हैरानगी थी, मैं अपना बता देती हूँ, मुझे अपना याद आ जाता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम पूरा कुरान एक गो में या समझ के पढ़ा, बल्कि मुझे दौरे कुरान नहीं पहली दफा में सुनने का मौका मिला, जब फर्स्ट टाइम मैंने कुरान सुना वो रमजान ही था, यानी शौरी कुरान। कई लोग पूछते हैं और आपने भी पूछना है तो भी बता देती हूँ, लोग कहते हैं आप कैसे बदले, आपको कैसे मिला आप, तो मैंने कहती आप ही जैसे लोग हैं। शुरू से घर में दीन था, मेरे वाले यानी हमारा अपना घराना अपने ददयाल में बनिस्बत सबके रिलीजियस थे, क्योंकि मेरे वाले सख्त थे इस मिजाज में, सबसे पहले बुरका हमने पहना, यानी मेरे ऊपर सख्तियाँ थी जो बाकी फैमिली पे इतनी नहीं थी। दूसरी तरफ देखें तो वहां भी यानी क्या है, अब लगता है कि वो रस्मी दीनदारी थी, लेकिन ननिहाल सारा उस वक्त मशहूर ही हाजी साहब और नमाजी साहब किसे था, हज और उम्रे लोग गिनते थे, आपके नाना ने इतने हज किए उतने उम्रे किए, सब कुछ था। लेकिन जिस दिन कुरान खुला उस दिन पता चला कि वो बस वही बात है कि रह गई रस्म अजा रूहे बिलाली ना रही। बिलीव मी, हम सब जब कुरान को समझते हैं, आज मैं आपको ये क्यों एहसास दिला रही हूँ, शायद आप में कोई एक बहन अभी हो या बाहर से कोई सुन ले बात में, या सुन भी रही हो, कि जिसने कभी कुरान नहीं सुना कभी नहीं पढ़ा। जिस चीज ने मुझे सबसे पहले कुरान पढ़ने पे माइल किया था ना, जो फीलिंग थी वो क्या थी कि इस कुरान में क्या है, क्योंकि हमारे वालिद के दोस्त और बहुत ही मतलब अल्लाह ने उनको पैसा दुनिया का दिया, लेकिन वो अपने दौर की मॉडर्न फैमिली थी, कि इवन जब पाकिस्तान इंडिया अलग हुआ तो उस वक्त उनके घर की खवातीन स्लीवलेस पहनती थी, ये मशहूर था। उन्हीं के घर के अंदर एक बच्ची को कुरान मिला और हम हंस पे आदत उनके घर में गए, ऐसे हम छोटे थे बड़े भी नहीं थे, बस जैसे बच्चे होते हैं माँ बाप के साथ। तो जब हम उनके दरवाजे पे गए ना, तो पहले तो दरवाजा खोला तो अंदर, तो उधर ना मुलाजिम जो भी था ना उसने रोक दिया, कहेंगे आप रुकिए। फिर फ्यू मिनट्स के बाद वो बाहर आके उसने कहा अच्छा मर्द जो है ना वो इधर चले जाए और बहने बाजियां आगे आ जाए। ये एक तो बड़ा चुंबा लगा, खैर हमारे अब वालिद और जो भाई थे वो इधर छोटे थे वो चले गए, हम भी ऐसे थे। हम सीधा अब अंदर गए तो फिर भी माहौल बदला हुआ दिखा, बड़ी सी चादर घर में, क्योंकि पैसे वाले भी थे और घर में मेल मुलाजिम भी होते थे उस वक्त खान साहब में ये वो, तो वो जो है ना बड़ी सी चादर लेके, तो किस्सा मुसर व्हाट इज दिस, कहेंगे मैंने कुरान, जो वो माँ जो थी वो बेटी से खुश भी थी नाला भी थी, कहती इसने कुरान पढ़ा इसने हमारे घर का रुख ही बदल दिया। कहती है कि नहीं औरतों मर्दों को इकट्ठा नहीं बैठना चाहिए, नहीं घर में अगर मेल मुलाजिम है तो फिर हमें खवातीन को पर्दा करना है। ये है वो मेरे शऊर में पहला पत्थर जो मुझे याद है। मैंने कहा इस कुरान में क्या क्या किस चीज़ ने इसको बदला, और मैं साइंस की स्टूडेंट थी उस वक्त, आदत थी बहुत हर चीज की खोज में जाने की। मैंने कहा आपने, उसने कहा यहाँ ये फलां जगह पे कोई क्लास है, मैंने कुरान तर्जमे से पढ़ना शुरू किया। किधर आप चले जाते हैं ना, पूछ लिया उनसे, एक दो चार दिन के बाद पहुंच गए उधर, देखे होता क्या, बिल्कुल नया तारुफ था। वल्लाही क्या कोई रिवर्ट होगा, आज सुबह में एक सिस्टर मिली है ना जो रिवर्ट है, वो कहाँ से पलट कर आई थी इस्लाम पे, पाकिस्तान में तो उर्दू स्पीकिंग है पंजाबी स्पीकिंग बल्कि, लेकिन वो कहती है कि इस्लाम को समझे, हमने भी एक रिवर्शन ही लिया, हम वाकई रिवर्ट हुए कुरान पढ़ के। फिर उसके बाद तो अल्लाह ने फिर वो रास्ते जो खोल दिए, जहां चाह नहीं वहां राह नहीं। जिस दिन कुरान की तलब दिल में आई ना, यकीन करें उसके बाद पता चला कि ये हमारे साथ वाली गली में है। फिर अल्लाह जन्नत नसीब करे, अभी फ्यू मंथ्स अगो मेरी वो पहली टीचर जिनको मैं रूहानिया टीचर या कुरान टीचर के नाम पे अब नंबर वन टीचर कहूँ ना, वो कोई मीडिया पर्सन नहीं थी, आप उनको जानते ही नहीं, क्योंकि ना उनकी ऑडियो ना वीडियो ना चैनल्स ना कुछ, सीधी सादी सामने कुरान खोल के तो वो बस उसमें से पढ़ती जाती थी और हमें लफ्जी तर्जमा कहलवाती थी, ना इसम का पता ना फेल का पता ना मार किसी हर्फ का पता ना बलागा का पता ना कुछ नहीं पता। मैंने पहली दफा जो कुरान का लफ्जी तर्जमा याद किया मुझे अलिफ लिल्ला ग्रामर नहीं पता थी, बस जैसे वो सारी क्लास को हमें कहलवाती थी, हमारे सामने लफ्जी तर्जमे के पारे होते, कुरान था मोटा, पारे तो उस वक्त मिलते भी नहीं थे, इतना मोटा कुरान, इतना बड़ा। हाफिज नजर हुसैन साहब का, पाकिस्तान इंडिया में रहने वाले जानते हैं कि शाह वली उल्लाह देहलवी, इनका नाम मारूफ था लफ्जी तर्जमे में, और इसी तरह से ये कुरान था, उठाया भी नहीं जाता, और इतनी मुश्किल उर्दू थी नीचे ठट्ठा करने वाले,
यानी मजाक करने वाले ना मुस्ताहजियों या यस्ताहजियों वो उनका ठट्ठा उड़ाते हैं. ठट्ठा क्या होता है, बाद में पता चला मजाक है. बस वो बढ़ती थी, हम उनके पीछे पड़ लेते थे. कोई लेसन प्लान नहीं, कोई उसमें कोई हमारा, जैसे अब माशाल्लाह कोई भी कोर्स आता है तो पहले से साथियों ने एक एक दिन गिना होता है ना कि ये कोर्स इतने दिन का है. अभी आपको इंशाल्लाह एंड पे कुछ कोर्सेज का तारुफ कराएंगे ना, तो आप देखिएगा वो यही है कि कितनी जरूरत होती है उसमें कि मतलब एक एक चीज को फॉलो किया जाए फिर ही काम होता है. वरना तो 8-8 साल आप पढ़ते रहे, आप कभी भी नहीं पूरा करेंगे. कुछ नहीं किया, लेकिन वो कुरान पढ़ते के दौरान मुझे ऐसे लगता था रोज हर क्लास में से मुझे लगता था कि ये मेरे लिए. फिर समझ आया कि फी जिक्र को, इसमें तुम्हारा जिक्र है. अफला ताकिलो 17वें पारे में सूरत अलंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं फी ही, यानी इस कुरान में जिक्रुकुम तुम्हारा जिक्र है. अफला ताकिलुन, तुम अकल नहीं रखते. ये कुरान मेरे आप से मुतल्लिक है. एक रिवॉर्ड शख्स जब मुसलमान हुआ, कुरान पढ़ना शुरू हुआ, कहने लगा कि मैं इस कुरान को पढ़ने बैठता हूँ और ये किताब मुझे मेरे से पहले पढ़ लेती है. यानी मैं इस कुरान को नहीं पढ़ रहा होता, ये कुरान मुझे पढ़ रहा होता. और आप में से 20 लोग इसकी गवाही नहीं देते. क्लास में जो बात हो रही थी हमारे लिए हो रही थी, शाम को एक मौजू था, सोचा था अच्छा कल क्लास के बाद सॉल्व करेंगे, अगले ही दिन उस क्लास में उसका मसला आ गया. कल भी कोई सुना रहा था ये कहानी, ये कुरान आपका मेरा. अगर आपने मैंने जिंदगी में सब कुछ कर लिया नेकियों के नाम पर, और अगर आप सादे कुरान को पकड़ कर, जैसे अगर मैं आपको यही आयते हैं जो सामने आपके भी अरबी है, देख लीजिए मेरे पास भी अरबी खुली, सेम स्क्रीन आप मेरी देख रहे हैं इस वक्त. बला तक फुमा लैसा लक बिही इल्म, कितने लोग हैं जो इस आयत को कुरान जुबानी याद है, जिनको हाफिज होंगे उनको याद होगी. कितने लोग हैं ये अगर अभी इमाम साहब ईशा की नमाज में ये आयतें पढ़ाने लग जाए, किसको समझ आनी, किसने रोना, किसको पता, कुछ भी नहीं पता. हम क्योंकि बहरों वाला कुरान पढ़ते हैं, वो साइन लैंग्वेज होती है ना, साथ इशारों के साथ सिखाते हैं. हमें कुरान सुनकर रोना क्यों नहीं आता, हमारा दिल क्यों नहीं लग रहा होता, इस वजह से कि हमें समझ नहीं आ रहा. तो वला तक्फु मा लैसा लक बिही इल्म, अल्लाह इसमें क्या कह रहे हैं कि ऐ बंदे जिस चीज का तुझे इल्म नहीं उसके पीछे ना पढ़, तजस्सुस ना कर, लोगों की कंसुई ना कर, जितना पता है. अब ये जो लफ्ज तकफू है ना, ये क्या होगा जरा सोचे. हाँ, अरबी जुबान में बहुत सारे लफ्ज हैं पीछे पढ़ने, पैरवी करना, तबिया, इत्तबा, हाँ वो नहीं आया. वला तत्तबी उमा लैसा लक बिही इल्म भी आ सकता था, नहीं. ये लफ्ज तकफू जो है ना, अगर आप इसको सिर्फ इस लफ्ज को देखिए, ये तकफू, किफ, अरबी जुबान में किसी, आप सऊदी अरब में जाए या आपको किसी अरब मुल्क में जाना पड़े ना, तो ये जो आपके मेरे यूएसए में है ना स्टॉप, स्टॉप साइन, तो उसके ऊपर दो लफ्ज लिखे थे किफ. चले उर्दू में कभी सुना है वक्फा, ये वही लफ्ज है, रुक जाना, स्टॉप. आप कभी कुरान पाक खोले ना, तो जो ग्रामर के तजवीद के रूल्स के साथ होते हैं, तो वहां किफ लिखा होता है ऊपर कि यहाँ रुकना है. कुछ लफ्ज होते हैं उसमें रुकना मस्ट होता है ना, तो ये ला तक्फ ये है स्टॉप, स्टॉप, डोंट गो अहेड. और इस लफ्ज के अलावा यहाँ ये मौजू का हक ही नहीं अदा हो सकता था कि बगैर सोचे समझे सुनी सुनाई बात, कोई बात ऐसी जो भी किस जिसकी बात है उसकी तरफ से कुछ नहीं, कोई बात आई, तुम आगे ना बढ़. आज इस सिर्फ एक आयत के अंदर और अगले जो 3 लफ्ज हैं जो असल में मौजू है, इन समा, तुम्हारी समात, हेयरिंग, कान नहीं, उजुन नहीं, ये नहीं का इन्ना उजुन, समा, हेरिंग, बसर, आइस नहीं, आइन नहीं, हेरिंग के बाद आई साइट, और फुआत, कल्ब. अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला. सोच समझ के किसी चीज के पीछे लगना, किसी बात की बाल की खाल निकालना, और वो क्या है कि तुम्हें, तुमसे तुम्हारी हर चीज का सवाल किया जाएगा. यानी आंख का, दिल का, जुबान का, हर चीज का तुमसे हिसाब लिया जाएगा. मतलब क्या है कि अपनी आंखों को, अपने कानों को और अपने दिल को जरा संभाल के इस्तेमाल करना, क्योंकि इसकी बास बरस होगी. ये हैं जी वो 3 अज़ा खास तौर पे.
जिसके जरिए से हम बाज़ोकात ना सिर्फ ये कि दूसरों की जिंदगी में जहर घोल देते हैं, बल्कि अपने नामे अमाल की जो बकेट है या हमारा नामे अमाल उसमें सुराख कर देते हैं। आप देखिए कि जिस्म के कितने अज़ा है ना, इंसान के अंदर रईसुल अज़ा में दिल है, दिमाग है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, कलेजी है और बहुत कुछ है, आप सब जानते हैं। ये तीन अज़ा ऐसे अज़ा हैं जिनका ताल्लुक हिदायत से भी है और गुमराही से भी है। यानी हिदायत के रिसेप्टर्स, बंदे को हिदायत भी मिलती है तो या कोई बात सुन के मिलती है, जैसे मैंने अभी आपको सुनाया कुरान सुन के मिली हिदायत, या आप कोई चीज ऐसी देख रहे होते हैं। और ये जो लफ्ज़ फुआद है ना, इसको तो मैं जरूर ही आपके सामने खोलना चाहूंगी कि आप देखिए ये लफ्ज़ आपके सामने अरबी में आ रहा है, ये फुआद, ये दो तीन दिन पहले भी एक लेक्चर में ये मैंने हाईलाइट किया आपके लिए, फुआद अफीदा से। अरबी जुबान में दिल के लफ्ज के लिए पल नफ्स, और बोलिए किसी बोले मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ। 3 साल पहले का दारा कुरान पूरा कल्ब की हालतों पे था, 34+ दिल की डिफरेंट किस्में हमने पढ़ी थी। दिल के लिए अरबी जुबान में नफ्स भी आता है, कल्ब भी आता है, कल्लब युकल्लिब इनकलाब, ये जब कहते हैं ना कल्ब, कल्ब होता है उलट पुलट होने वाली चीज। आज किसी से मोहब्बत है कल नफरत हो जाती है, आज आप कहते हैं मैं आपके बगैर रह नहीं सकती, कल दिल नहीं करता कि शक्ल भी देखो, दिल बदलते हैं ना, इसको कल्ब कहते हैं। क्यों अल्लाह के नबी कहते थे या मुसर्रिफ अल कुलूबी सर्रिफ कल्बी अलादीन, या मुकल्लिब अल कुलूबी सब्बित कल्बी अलादीन। तो दिल की जो उलट पुलट की कैफियत है ना, इसको कल्ब कहते हैं। यहाँ लफ्ज है फुआद, और फुआद का लफ्ज क्या है, दर्द, गुदास। जहां भी इमोशंस होते हैं ना, दिल का वो हिस्सा जिसमें जज्बात पलते हैं। क्यों कोई बात सुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी कोई मंजर देख लेते हैं तो दिल उदास हो जाता है, कभी कुछ कोई है, तो फुआद कहते हैं दिल का वो हिस्सा जहां जज्बात है। अब कुरान एक तो यहाँ आ गया, जरा सा सोचिए आप में जितनी टीनेजर्स बैठी हैं, यंग बच्चियां, हमारा तो वक्त गुजर गया ना, वो जब जवानी स्वीट टीन और वो मोहब्बत, ये फुआद बता क्या है, ये दिल की दुनिया, हाथों में दिल लिए बैठते हैं, दिल के मामले हैं, दिल की मोहब्बत, आई लव यू, और 14 फरवरी को तो सारे लोग अपने दिलों को हाथों में लेके बैठे होते हैं। ये फुआद का लफ्ज बता रहा है इमोशनल टच, जो बंदे को किसी के साथ महसूस होता है। जहां हजरत मूसा की माँ का तस्करा आया ना कुरान में, अल्लाह ताला ने उधर लफ्ज क्या किया, वस बहा फुआद उम्मी मूसा फारिगा, जो माएँ बैठी हैं और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो समझ सकती हैं कि मूसा की माँ का दिल फारिग हो गया, किससे, हर गम से आज़ाद हो गया। सिर्फ एक ही गम थी, हाय मेरा बच्चा दरिया में ना डूब जाए, हाय मेरा बच्चा दरिया में ना डूब जाए। कभी आपने अपने घरों में नवासे पोते नहीं देखे, अपने बच्चे तो जब होते हैं उस वक्त तो बंदे को इतना होश ही नहीं होती ना। आपकी अपनी बेटी बिल्कुल अलर्ट सी थी, सो गई तो उठी नहीं, उसको परवाह ही नहीं थी, केयरलेस थी, एक छोटा सा बेबी गोद में आ जाता है, कैसे सोते में जाग जाती है बच्चे की आवाज़ से। तो जो माँ के साथ बच्चे का बॉन्ड है ना, उसके लिए लफ्ज़ फुआद आया है। यहाँ इसका जिक्र क्यों आया है, यहाँ कल्ब की जरूरत नहीं थी, यहाँ नफ्स की जरूरत नहीं थी, यहाँ फुआद कह के बताया कि चाहे जज्बात का नाम लेते हो लेकिन इसका हिसाब होगा। आप देखिए कि इंसान से क्यामत के दिन जिन चीज़ों का हिसाब होना है ना, उनमें 3 चीज़ें बहुत अहम हैं, और उनमें से एक दिल, आंख और कान, इसलिए इनकी हिफाजत करें। और अफसोस की बात है कि आज इंसान अमूमन इन्हीं चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं। हम किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, तजस्सुस करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके बारे में बातें करते हैं, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि यूज केयरफुली, यू विल बी आस्क्ड, तुम्हारा सवाल होगा, तुम्हारे से इसके बारे में सवाल होगा। फिर आप देखिए कि आगे जमीन पर अकड़ कर चलने की बात है, तन कर चलना, ये कौन सा एटीट्यूड है, ये वो एटीट्यूड है जिसमें आप कह सकते हैं कि अंदर की बड़ाई, तकबर। हम अपने बच्चों को और खुद को भी जरा सा परखें, 4 पैसे के आते हैं हमारे अंदर अकड़ा नहीं लगती है, जरा सा अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं
उसके बाद देखिए जरा हमारा क्या हाल हो जाता है। अल्लाह ताला ने यहाँ वला तम शिफिल अर्दी मरहा कहकर हमें एहसास दिलाया कि तुम जितना भी पैसा लो, कारून जितनी दौलत किसके पास होगी, लेकिन तुम्हें किसी को भी इजाजत नहीं कि अपने अंदर रखो। यहाँ जो लफ्ज है ना मरहा, इसके भी कई मुतरादिफ है जो मैं नहीं दूंगी, बस इतना कहूंगी इस कुरान के लिए वक्त लगाइए। आपका मेरा मसला जिंदगी गुजारने का, हमारे पास मसरूफियत बहुत है, वक्त नहीं है, हमें हमें जॉब करनी है, पैसे नहीं है, घर लेना है, पे ऑफ करना है, ये सारे मसले छोटे, और सबसे बड़ा मसला क्या है, हमें इस कुरान को समझना। आप सबका मेरा आज के दौर में करने का काम, बाकी करिए, चंदा भेजिए, गजा वालों को भेजें चंदा, और आप मस्जिदों को बनाने में पैसा डालिए, इस ओके गुड नाइट्स, बट जो एमरजेंसी है ना इस वक्त, द एमरजेंसी कॉल, आप कहीं भी पढ़ते हैं एमरजेंसी कॉल, प्लीज हेल्प अस, प्लीज डोनेट अस, नहीं, इस वक्त एमरजेंसी कॉल क्या है कि अल्लाह दिन में 5 में से 3 नमाजों में इमाम साहब ऊंची आवाज से कुरान पढ़ते हैं कुछ हिस्सा, और मुझे समझ ही नहीं आता। आज मैं आप सबको एक काम देती हूँ अपने साथ, अभी जब नमाज होगी ना मस्जिद में हम पढ़ेंगे सब, आप सब ने गौर करना है, नंबर एक कौन सी सूरत है, और दूसरा सोचना है कि इन आयतों में क्या हो रहा है, वही नमाज के फौरन बाद बात कर ले मेरे साथ। क्या फायदा इमाम साहब आपको पढ़ा रहे हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा। अभी मगरिब की नमाज में कौन सी आयतें चली किसी को याद है? आप में से अक्सर नहीं, इधर ही पढ़ी है ना नमाज, मैं आपसे पूछ सकती हूँ कौन सी आयतें थी, क्या कहा गया? अपने हस्बैंड से पूछिए कि आज सुबह फजर की नमाज में कौन सी सूरत चली, पूछिए करें। अपने बेटों से पूछे, बेटा आज मस्जिद में इमाम साहब ने कौन सी सूरत पढ़ी। हम तो ऐसे अजनबी हैं कि जैसे कोई दूर का वास्ता ही ना हो। दैट इज द एमरजेंसी कॉल नाउ। उम्मत मुस्लिमा के एक एक बच्चे को इस कुरान को पढ़ना है, कुरान सिखा दें बच्चों को और कुरान उनको सब कुछ सिखा देगा। आज जो एटीट्यूड दिखता है, तकबर दिखता है, खिबर दिखता है, अल्लाह कहता है बिल्कुल नहीं करो, तुम इतनी जोर से पाँव मारो कि जमीन को फाड़ दो, या तुम इतने अकड़ के गर्दन ऊंची करो कि तुम केटू या हिमालय पहाड़ जितने हो जाओ, ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। कुल्लु ज़ालिका काना सय्युहु इंद रब्बिका मकरूहा। ये लफ्ज मकरूह तो आप उर्दू में भी जानते हैं ना, कराहत से, ये अल्लाह के यहाँ मकरूह है, अल्लाह डजंट लाइक दिस। तो क्या पता चला इतनी सी बात के अंदर से मेरे आपके लिए अमल की बात, कि हमें नंबर एक तजस्सुस नहीं करना, कंसुई नहीं लेनी। अब ये हुक्म किन के लिए है, किन का नहीं लेना, किन के पीछे नहीं जाना, किन को नहीं देखना, ये नहीं करना वो, ये हमने देखना है नंबर एक मजहबी रहनुमाओं, नंबर दो सियासी लीडर्स, सदर पाकिस्तान, पाक फुला फुला, यानी आज हमारा कौमी मिजाज क्या बन चुका है कि हम तजस्सुस करते हैं। देखिए पहले तक क्या था, कोई कहीं जाता था तो सुनता था, कोई बात पढ़ता चलती थी तो मालूम होती थी। आज जब से ये सोशल मीडिया हमारे हाथों में, मशहूर लोगों की मीम्स बनती, मैं कहती हूँ अल्लाह किसी को किसी के बस ना डाले। एक मैदान जंगल, आज मैंने एक छोटा सा, ज़ाहिर है कि हमारे अपने भी चैनल से चीज़ें आती हैं, तो मेरा जब मैंने YouTube खोला तो उसमें एक स्लाइड थी, यानी स्क्रीन पे जो चीज़ थी, शायद मुझे किसी ने भेजी है या मुझे नहीं पता कहाँ थी, मैं सिर्फ आपको ना, यानी उसके लफ्ज़ इतने पढ़कर मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि मैं आपको बता नहीं, यानी मैं आपको यहाँ क्या दिखाऊँ, आप तो नहीं देखेंगे। एक मुसलमान फ़िरके के लोगों में से दूसरे दोनों का नाम लिखा था, आप कहेंगे तो मैं बता दूंगी लेकिन मैं नहीं बताऊंगी, मेरा नहीं दिल कर, यानी ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। वीडियो के ऊपर जो थंबनेल और जो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन थी वो क्या थी, यानी एक मसलक के मौलवी साहब को दूसरे मसलक के मौलवी साहब के सामने रखकर, नीचे अल्लाह की मखलूक में से एक जानवर है जो भौंकता है, उनके नाम लिखे हुए थे। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ आपको, ये जगह इतनी तकद्दस वाली है ना कि यहाँ बैठकर मैं नबी के मेंबर को रुसवा नहीं करना चाहती। उस मसलक वाला भौंका और ये हुआ और उसने ऐसे किया, और मुझे पहले तो समझ ही नहीं कि मुझे किसी ने भेजा क्या, फिर सिर्फ थोड़ा सा मैंने नहीं खोली वीडियो, लाहौल मैं क्यों खोलूँ,
लेकिन इंतहाई गलीस बात, आज क्या हम अपने दीन का यही सार चाहते हैं? ये मस्जिदों के मेंबर इसलिए हैं कि यहाँ बैठकर एक मसलक दूसरे मसलक के और दूसरा उसके खिलाफ, जो और जो हुक्मरान कौन किधर है आज, वो किधर है? क्या पिछले 7-8-9 महीने बल्कि 1 साल से पाकिस्तान की सियासत में यही रसाकशी नहीं हो रही? कौन हुकूमत में, कौन जो सामने आता है वो दूसरे को बुरा कहता है? याद रखिए, एक एक बात का सवाल होगा। ये कुरान ने कह दिया अनहु मसूला, सुइला भी नहीं कहा गया, मसूलन इसम है, सुइल अगर इसको फेल की सूरत में लेते तो इसकी फॉर्म और थी। यानी अगर कल किसी एक हुक्मरान ने क्यामत के दिन उंगली रख के बता पूछ लिया ना, अल्लाह जरा इससे पूछ के इसने मेरे बारे में ये वीडियो क्यों आगे की थी, तो यू नीड टू गिव। आप इमिग्रेशन भी होते हैं ना, अभी कल भी बॉर्डर क्रॉस किया, आप भी करते होंगे, इंडिया या सॉरी कैनेडा और अमेरिका के बीच में रहने वाले करते होंगे ना, वो जो चंद मिनट होते हैं जिधर वक्त जहां से अपने गुजरना होता है, जरा उस वक्त को दिन में लाए, कुछ रॉन्ग नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन एकदम रंग उड़ता। जरा वो कह देना, जरा आप इधर से जाके जरा उधर चले जाइए तो देखिए क्या होता। और मैं आपको एक अच्छे फखर से सुनाऊंगी, कल हम आए हैं ना, बच्चा था यंग साथ मेरे, हमारे आप में से किसी का बच्चा आया हुआ था लेने, अल्लाह ताला इन बच्चों के दीन ईमान की हिफाजत करे। तो कहने का सर यू वॉन्ट अ लेडी इंस्पेक्टर, यानी मैं निकाब में जो थी, तो उस बच्चे ने पहले आपके सर से पूछा कि पीछे थे भी हम उसी वो लेन से गुजरने से, तो उसने पूछा अपनी जुबान में कि आपको फीमेल चाहिए देखने, क्योंकि देखेंगे ना डेंट, आपके सर ने कहा हाँ। अब इनको तो ये पता था ना कि भाई वो कहेंगे कि अच्छा, खैर वो बच्चे हमने नहीं कहा, और वहां जब रुके ना तो इस बच्चे ने फौरन एक्सक्यूज मी, वी कैन वी हैव द लेडी जो भी इंस्पेक्टर, उसने कहा यस। उसने एक सेकंड में कुछ लिख के ना तो हमें एक पर्ची दे के कहा कि गो दिस वे। अब वो हमने खुद ही लंबा खाता ले लिया, उन्होंने हमें उस लेन में डाला जिसमें जाहिर है कि पीछे गाड़ियां होती हैं, आप सबको पता है, तो अगर वो वहां से तो नहीं अब एक लेडी ला के बुला सकते थे, उधर उन्होंने वो इशारा बनाया जहां बाद में जाने के बाद हमें पता चला उनको भेजते हैं जो के किसी प्रॉब्लम में, किसी के पेपर वर्क में फर्क है या उनकी मोर इन्वेस्टिगेशन है। तो खैर हमारी गाड़ी उधर घूमती गई, हम उधर गए, उन्होंने हमें दी। आप यकीन करें कैसे हम लोग मजे से गाड़ी से निकले, सिर्फ इसलिए, अब वो बच्चे की मैं आपको बात बताने लगी हूँ, और नमाज का भी वक्त सर पे था कि जमात से पढ़नी और इधर पहुंचना है, लेकिन हम उधर अंदर गए, उन्होंने वो सारा किया हमारे साथ भी, गाड़ी पे टैग लगाया, फिर हमें कहा निकले, अंदर गए तो लाइनों में लगा दिए बैठ जाए। वो वहां वो लोग बैठे थे जिनके पेपर्स में कोई मसला था, और हम क्यों, हमने खुद ये अपने लिए मोल ली। तो फिर वो लेडी थी, उससे दावा का मौका मिल गया, फिर मैंने ही दिखाना था ना, मेरे मैं ही निकाब में थी, तो मुझे उन्होंने फिर वो बाद में उन्होंने जब हमारी बारी आई उसने कहा अंदर आओ, तो मैंने फेस खोला, स्माइल बातें शातें कर करा के, तो फिर उन्होंने कहा बैठ जाए, फिर उन्होंने फिर हमारा चेक किए, फिर वो पता कई लोगों की गाड़ियां चेक करते क्योंकि उनको शक होता है, हम पे उनको शक नहीं था, हम खुद गए। जो मैंने आपको इस वक्त बात बताई है ना, अगर इस यंग लड़के की जगह कोई अंकल टाइप के हमारे अंकल होते ना तो शायद वो इतनी जरूरत ना करते, सिर्फ समझाने की खातिर। और वो जो इन्वेस्टिगेशन के जब मैंने कहा पता चला ये हमें यहाँ रोक ही ले, पता नहीं क्या मसला हो, कुछ भी नहीं निकला, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। लेकिन जो बात कहने की ना, ये जो इन्वेस्टिगेशन है ना, ये बड़ा औखा लफ्ज है। क्यामत के दिन अगर अल्लाह ने हाथ रख के रोक लिया कि जरा बंदा तू तो इधर आ ना, तू इस लाइन को निकल, मैं वहां खड़े के दूर से जब गुजरना तो मैं हंस के कह रही हूँ ये मुकामे आराफ है, देखना इसके इधर भी और उधर भी है। लेकिन हम तो इन चीजों को इंजॉय करते हैं क्योंकि हमें दावा का मौका मिलता है, और अल्लाह का शुक्र है कि दाल में कोई काला नहीं था ना, कोई प्रॉब्लम, वरना हम कभी चूज करते नहीं करते ना, तो ये जुरत चाहिए। और मैं खुश इस पे थी कि कितना आपके रिलीजन का किसी एक जगह किसी एक ने 10-12 आगे पूरी पुलिस भरी हुई थी उस जगह पे, किसी एक ने हमें कोई रॉन्ग इमेज नहीं दिया कि ये क्या बात है तुम्हें एक औरत को तुम्हें दिखाना है। तो मैं कल, और कल हमारी एक मीटिंग थी सुबह में जिसमें ये निकाब और चेहरे की बातों पे बड़ी बातें हुई, लेकिन फिर मैं रो पड़ी, मैंने कहा अल्लाह तू गवाह है ना, हमने तेरे दीन की हदों को, जिसको कहते हैं ना कि अल्लाह ने सूरह तौबा में एक लंबा पैकेज दिया है कुछ खूबियों के साथ, उसमें क्या कहा कि वल हाफिज़ून अली हुदूदिल्लाह,
उस वक्त मुझे वो याद आ रहा था कि अल्लाह कोई एक बंदा अगर मजबूरी में मेरा चेहरा देख भी लेता और मेरा सपाट चेहरा होता तो मैं खोल भी देती, मुझे पता है इसकी रुख्सत भी मिल जानी थी, लेकिन तू गवाह रहना कि हम इन मुल्कों में भी तेरे दीन की हदों को की हिफाजत करने वाले हैं। ये मेरा अमल था ना, इसने मुझे इस पर रखा। अब आप ये बात किसी और को सुनाए तो हर बंदा अपनी तरह की बात करेगा। जिस वक्त इस दुनिया की बास पुरस से हम अपने आप को इधर उधर करते हैं ना, तो फिर हमें दूसरी चीजों की समझ आती है। तो फिर आगे चलते हैं, एक और आयत आपके लिए आज रखी हुई है जो असल में आपके मेरे इस पूरे पॉइंट को लेके चलने वाली है, और वो क्या है, सूरत मोहम्मद की आयत है, और वो आयत बड़ी खूबसूरत आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। जी ये आयत सामने है, सूरत मोहम्मद आयत नंबर 33 है। ये काम ये करके या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल वला तुबतिलु आमालिकुम। ऐमन वालो ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, और इनकी नाफरमानी करके अपने आमाल बर्बाद ना करो। अल्लाह अकबर, पूरी सूरत मोहम्मद इस चीज से भरी हुई है। जब भी कभी आप इंशाल्लाह, अब तो दिन थोड़े करीब ही हैं, सूरह दौरे कुरान में 26वां पारा पढ़ेंगे ना, उस दिन इस मजमून को याद रखिएगा कि जब कोई बंदा ईमान लाने के बाद, अब लेकिन आयत क्या है, या ये लजीना आमनो, पहले तो इसको देखिए, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, किसको कहा जा रहा है, आपको मुझे कहा जा रहा है। हमें अरबी और अजमी के लफ्ज से नहीं पुकारा गया, गोरे और काले के लफ्ज से नहीं पुकारा गया, ईमान की नस्बत से पुकारा गया। और ये पुकार इस साल दौरे कुरान में आप सुनेंगे, फेथ इन एक्शन। मैं साथ ही साथ आपको बताती रहूं, एंड पे हो सकता है कि आप में से कुछ जाने की जल्दी में हो, इस साल का जो दौरे कुरान है ना, नस्रु मिन अल्लाह की वफतुन करीब, अल्लाह की मदद और करीब की फतह, अल्लाह का वादा, खुशखबरियों से भरा हुआ दौरे कुरान है इस दफा, क्योंकि हमें होप चाहिए। फेथ इन एक्शन, ओनली वन टूल, अंतुम लाउना इन कुंतुम मोमिनीन। गजा की जंग छोड़ो, सारी ये सारे मैदानों में तुम जीतोगे। कल बदर में नहीं फरिश्ते उतरे थे, हर मैदान में आज भी उतरेंगे, शर्त एक है, इन कुंतुम मोमिनीन, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहत करते हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कहकर पुकार लगाते हो, इस पे फिर अमल भी करो। देखिए, आप में से कोई डॉक्टर हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहा, फिर भी कोई उसको डॉक्टर साहब कहेगा? असल बात तो अमल है। आमनु वामिलु सालिहात, इन आयतों में या अय्युहल्लज़ीना आमनु के बाद अगला लफ्ज देखिए, अतीउल्लाह। अब मेरा दिल कर रहा है कि आपको थोड़ी सी इसकी भी बारीकियां दिखा दूं। ये देखिए, लफ्ज इताअत उर्दू में बोलते हैं, क्या है इसका रूट? ये मैं उनको पूछ रही होती हूँ जो कई साल पढ़ चुके हैं माशाल्लाह, तौन से त्वा वाव ऐन, तौन व करहन कुरान का लफ्ज है, तो तब वो कहते हैं नफिल नमाज को। हदीस में अगर आपने नवाफिल पढ़ने, क्या पढ़े, कब पढ़े, इसके बारे में बात सुननी जाननी हो ना, तो आप लफ्ज सर्च में डालेंगे ततवो, बाप ततवो नफिल को कहते हैं। तो तौन कहते हैं खुशी से काम करना। आप कभी सऊदी अरब गए उमरा हज पे, तो वहां कहते हैं मुतवे फिर रहे हैं। मुतवा किसको कहते हैं? वॉलंटियर को कहते हैं, फ्री, नॉर्वेजियन में उसको फ्री विली कहते हैं, अपनी खुशी से काम करने वाला। तो अती का लफ्ज क्या है? अतीउल्लाह, अल्लाह की बात को खुशी से मानो, रोते धोते नहीं, मारे बांधे नहीं। एक लफ्ज होता है इतबा, चलिए आपको थोड़ा सा और भी हलचल दे के जाऊं ताकि आप फौरन जल्दी से कोई कोर्स तो साइन अप करें, लफ्ज ब लफ्ज तर्जमे का। बल्कि वो जो आप लोगों के पास बैग खुला होगा ना, जो इसमें लिफाफे में एक में होती हैं चीजें, तो उसमें हर तरह का एक कार्ड इधर मेरे पास रख दें जो लेमिनेटेड है ना। आप बैठी रहिए, जो भी कोई बंदा इसको मेरी बात समझ गया ना, जो ब्लैक बैग के अंदर एक लिफाफे में कुछ पेपर्स थे ना लेमिनेटेड, वो इधर मेरे पास रख दीजिए, जहां जरूरत हो आपको दिखा दूंगी।
अभी इतना ये बात छेड़ी है तो बता दूं कि हर फ्राइडे को हम लोग एक क्लास करते हैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमे के साथ, और उसमें आजकल हम सूरह तब्बत कर रहे हैं, उसका एक लफ्ज़ बताऊं, हम्मालतल खतब। सबको सूरत समझ आ गई होगी, तब्बत यदा, उम्मे जमील अबू जहल की बीवी, मिसिज अबू जहल, सॉरी अबू लहब की बीवी, मिसिज अबू लहब, खुद को क्या कहती थी? उम्मे जमील, अरवा नाम था, नहीं पुकारती थी, बाप की नस्बत से हर्ब की बेटी थी, अरवा बिनते हर्ब थी, बाप की नस्बत नहीं थी, वो इज्जत चाहती थी, वो कह लीजिए कि लीट में से थी, अपने आप को बड़ी इज्जत अल्लाह देती। अल्लाह ने उसको क्या कहा? हम्मालतल खतब। और इस वीक ये जो फ्राइडे गुजरा कल, ये हमारी क्लास हुई भी इधर ये कैम्ब्रिज में हुई है ये फ्राइडे क्लास, और अगली इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो टेनेसी मेम्फिस में होगी। हम्मालतल खतब पता किसको कहते हैं? आप पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश से बैक होम जो आए हैं ना, उनको समझेगा, कूड़े में से कचरे में से चीजें उठाने वाली औरतों को। अरब लोग उन लौंडियों को जो सारा दिन लकड़ियां भूसी सूखी चीजें इकट्ठी करती थी, और वो जगह जहां रातों को सरदारों ने बैठकर महफिलें बर्पा करनी होती थी ना, वहां इकट्ठी कर लकड़ियां इकट्ठी करती थी। यानी ये मुहावराती मीनी फिगरेटिव मानी क्या है इसका, हम्मालत अल खतब का, के कूड़े के अंदर से चीजें चुनने वाली औरत। मुझे बताइए, कुरान अल्लाह का कलाम, इसका कोई तकबल कर सकता है? वो औरत जो अपने आप को इतनी बड़ी कहलवाती थी, लेकिन चूंकि नबी की दुश्मन थी, चूंकि नबी को मुजम्मम कहती थी, अल्लाह ने उसको हम्मालतल खतब का लकब दे दिया। और दो मानी देखे, हम्मालतन ता पे दो जबरे, और हम्मालतुन, क्यामत के दिन जहन्नुम में जाने के बाद उम्मे जमील का काम क्या होगा मुस्तकिल, कि वो अबू लहब की आग जब हल्की होने लगे ना, फिर जाकर उसमें ईंधन डाल देगी। ये है हम्माल लतन की दो जबरों का मानी। ये कहाँ से मानी आते हैं? ये कुरान के अंदर से आते हैं, ये इसकी असलाफ और सलफ साले इनकी तफसीर में से आते हैं। यानी अल्लाह के नबी की दुश्मनी, अल्लाह ने उसकी जो एहानत की है वो कुरान बता रहा है। तो यहाँ वापिस आइए, या अय्युल्लज़ीना आमनू के बाद अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की बात को और रसूल की बात को खुशी से मानो। अब जरा सा इस आयत पे देखिए, जरा आप आम तौर पे कुरान में क्या होता है, अतीउल्लाह व रसूल, बात तो समझ आ गई आप मुझे नहीं बल्कि आयत को देखें तो फिर गौर करिए, यहाँ ये क्यों आ गया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल? जरा सा इस आयत पे नजर डालकर मेरा जुमला सुनिए कि यहाँ अतीउल्लाह व रसूल काफी नहीं था? काफी था ना, ये बाद में अती और रसूल अल्लाह क्यों आया? अमूमन ऐसा नहीं आता, यहाँ क्यों आया? सोचिए, हफ्ते अमाल, अमाल का जाया होना, लीकिंग बकेट, ये आयत आपको बता रही है कि यहाँ अल्लाह के लफ्ज़ को अती के साथ अलग और रसूल को अलग करके ये बता दिया है कि ऐसा दौर आने वाला है, और हर दौर में ऐसे लोग भी रहे कि जो अल्लाह की इताअत खुशी से कर लेते हैं, रसूल की इताअत खुशी से नहीं करते, और आज वो दौर है। आज के मुसलमान की लीकिंग बकेट की एक बहुत बड़ी वजह सूरत बकरा के दूसरे रुकू की पहली आयत में है, आयत नंबर 8 है, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, आगे क्या आना चाहिए था? وَبِالرَّسُولِ ना, آمَنَّا بِاللَّهِ, आगे وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, मुनाफिक का सबसे बड़ा मसला रसूल की तात होते, या अतीउ रसूल अलग लिखकर अल्लाह ने उसको मोर कंफर्म कराया है कि देखो, जिस खुशी से अल्लाह की बात मानते हो ना, उसी खुशी से रसूल का तरीका भी मानो, क्योंकि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की सूरत में बेहतरीन उस्वा हसना है। ये जो आज हम सब अपनी जिंदगियों में एक फर्क देख रहे हैं ना, देखिए अल्लाह का नबी जिंदा थे, जब मौजूद थे, वो कह सकते थे कि अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक है,
वो हुज़ैफा बिन जमान को लिस्ट गिना सकते थे कि ये जिन लोगों ने घाटी से हम गुजरते हुए मेरे पे हमला किया, 70-80 के करीब लोग, ये मुनाफिक थे, वो कह सकते थे, आप मैं नहीं कह सकते आज। आप में से, मेरे में से, चाहे इमाम काबा क्यों ना हो, चाहे वो दारुल उफ्ता कमेटी के बड़े सरदार मतलब आलिम क्यों ना हो सऊदी अरब के, वो भी नहीं कह सकते उंगली रख के फला मुनाफिक है, वो फला मुनाफिक है। इसीलिए अल्लाह ने नाम नहीं दिए, हाँ निशानियां दे दी। तो मुनाफिक की एक निशानी, उसके रसूल का दिया हुआ तरीका जिंदगी अच्छा नहीं लगता। आज हमारी लीकिंग बकेट के अंदर एक बहुत बड़ा सुराख क्या है कि हम सब कुछ करने को तैयार हैं, रसूल के लाइफस्टाइल पे चलने को तैयार नहीं। आप इतने कैसी बातें कर रही हैं? हम तो जब भी उमरे पे जाते हैं, मदीना में 8 दिन रहते हैं, हम तो पहले मदीना जाते हैं, हमें तो रोजे की जालियां चूमने जाना है, हम तो वहां जाके 40 नमाजें पूरी करते हैं, करते हैं मुझे पता है। लेकिन आप कहते हैं हम कभी शादी कार्ड पे निकाहों में सुन्नती भी लिखाते थे, लेकिन अमली तौर पे हमारा लाइफस्टाइल आज क्या है? क्या अतीउल्लाह के बाद अतीउर्रसूल है? चले अतीउल्लाह में आप समझ लीजिए नमाज रोजा हज ज़कात इबादत, अतीउर्रसूल जो होता है ना इसमें लाइफस्टाइल होता है। हमारी शादी, एक ही लफ्ज बोल दूं तो हम सबको अपना आप दिख जाएगा। जब हमारे घरों में कोई शादी का मौका आता है, खुशी का मौका आता है, उस वक्त हम क्या नबी के तरीके की शादियां करते हैं? क्या फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जैसी लाडली बेटी की शादी और हमारी बेटी की शादी, उन दोनों में मुमासलत है? नबी ने अपना आप छुपाया नहीं। देखिए, याद रखिएगा एक बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या आज के दौर में किसी को भी परख ना हो, दूर से बहुत रोब होगा, धाक होगी। अल्लाह के नबी से जब दुश्मन दूर भी होता था कांपता था, लेकिन जब वो दुश्मन करीब आता था आपके हुस्न सलूक से आपका दोस्त बन जाता था। आपको जितना कोई करीब से देखता आप नॉर्मल, बड़े रिलैक्स, नॉर्वेजियन में कहते हैं रूली, इजी गोइंग पर्सन थे। लोगों के साथ आपका मामला बड़ा खूबसूरती का होता था, वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, और उसमें हक को बातिल तो फलात है मोमिन। आज हमारी लाइफ स्टाइल, जिंदगी में से नबी का तरीका किधर? सिर्फ एक हमारी शादी ए टू जी। अब ए टू जी में पहले दौर में आज से 10-15-20 साल पीछे जाए ना तो 3 दिन होते थे, आज ही मेहंदी है, कल बरात है और परसों वलीमा है, ये 3 फंक्शन थे ना हमारे शादियों के। कोई अपना बहुत करीबी है तो उनको 3 दिन बुलाते थे, कोई जरा कम करीबी होता था तो उसको किसी एक दिन छुट्टी करा देते थे। आज एक शादी, 18 ब्राइडल शावर के साथ हुई, ये पिछले वीक की खबर है, और 18 ब्राइडल शावर किसने फंक्शन अटेंड बनाए होंगे? सारा खानदान, सहेलियां, दोस्ते, इतने फारिग हैं। यानी आप इमेजिन तो कीजिए, पहले दौर की जो शादियां होती, आप लोगों की आवाजें आ रही हैं हमें, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही हैं लेकिन आ रही हैं, क्योंकि मुझे अपनी स्क्रीन पे आज कुछ भी नहीं दिख रहा आपका। अब आप समझिए, देखिए ये बात करनी जरूरी है, आप अपने ऊपर लीजिए, मैं अपने ऊपर लूं, दुनिया किस दौर से गुजर रही है, क्या हालात है आज दुनिया के, एक एक रुपये की कितनी कीमत है। आज इंसान अगर अपनी जिंदगी को एक मकसद के साथ गुजारना चाहे ना, तो उसकी जिंदगी का मेन हदफ क्या होगा कि मैं अपना टाइम जाया ना करूं। मैं पैसों की नहीं इस वक्त बात करने लगी, वो पहले ही बड़ा अल्लाह ने दिया, अल्लाह और भी दे, हलाल से दिए और भी दे, लेकिन लग कहाँ रहा? 5 सवालों में से एक सवाल डे ऑफ जजमेंट में क्या होगा कि मैं नई नक तसब हो व मैं नई नानफाक हो, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। मैं इन सब को पीछे कर रही हूँ, प्लीज मनी की कोई बात ना करें, पैसों की ना करें, फिर वो बात एक और एंगल पे। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, ये सोचें टाइम कितना टाइम कंज्यूम होता है एक शादी पे। एक हमारे बहुत ही अच्छे स्कॉलर हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, डॉक्टर फजल अली साहब, उनकी बात मैं दोहराती हूँ अक्सर। वो कहते हैं कि बच्चों के रिश्ते जब नहीं होते तो माँ बाप जाय नमाज बिछा लेते हैं, ताजदों में एक ही दो अल्लाह बच्चों के रिश्ते हो जाए, बच्चों के रिश्ते हो जाए। कोई उम्रे पे जा रहा है, कोई हज पे जा रहा है, तो उसको भी कहते हैं हमारे बच्चों के लिए दुआ करना, बच्चों के लिए दुआ करना। और जिस दिन वो रिश्ता मिल जाता है, यानी अल्लाह के हुक्म से शादी
पक्की होती है, उसके बाद तो अल्लाह को ऐसे भूल जाता है कि जैसे अल्लाह की जरूरत ही नहीं थी। फिर शादी की तैयारियां, फिर वो सब जो कुछ करना, मंगनियां, जोड़े, कपड़े, बाजार, ये वो, और शादी की रात तो वो तकाबुल पे आ जाता है। अल्लाह आज नहीं तुझे नाराज करूंगा तो कब करूंगा, मेरा एक ही बेटा तो मैं एक बेटे की शादी पे तुझे ना नाराज करूं, यानी ये बगावत का रवैया। इन्नमा बख्शुकुम अला अन्फुसिकुम, सूरह यूनुस में अल्लाह कहते लोगों जितना मर्जी बगावत कर लो, ट्रांसग्रेसिव, तुम रिबेलियस हो जाओ, ये सारा बवाल तुम्हें पड़ेगा। वो कहते हैं कि खुशी का मौका आता है, हम अल्लाह को अपने रवैये से ये बताते हैं कि हमें तेरी जरूरत नहीं रही। और वो फिर जो वो जुमला बोलते हैं, खुलासा उसका ये कहते हैं कि ये एटीट्यूड होता है गोया कि अब इसके बाद अल्लाह से कोई जरूरत ही नहीं रही। हालांकि इन बच्चों के दिल जोड़ने के लिए अल्लाह से दुआएं मांगने की जरूरत थी, इन बच्चों का घर बसा रहे अल्लाह से दुआएं मांगने की जरूरत थी, अल्लाह इनको सालेहीन में से दे इसके लिए दुआओं की जरूरत थी। पहले दौर के माँ बाप शादी के बाद रुखसतियां कर करा कर आगे मसल्लों पे खड़े हो जाते थे कि अल्लाह हमारे बच्चों के दिल मिल जाए, क्योंकि दो इंसानों का एक छत के नीचे रहना ये भी मौजदे से कम नहीं है। ये अल्लाह मोहब्बत और रहमत ना डाले तो कहाँ कोई रहेगा। लेकिन वो इंसान जो के यानी ऐसे वक्त में अल्लाह अब माँ बाप सबसे ज्यादा खुश हुए होते हैं, उनको सब, तो क्या हमारी लाइफ। अब ये जब एक शादी अल्लाह अल्लाह करके 6 महीने से 1 साल के सारे जिद्दोजहद के बाद पूरी होती है तो क्या हमारा सारा हमारी हमें निचोड़ नहीं लेती। सोचें तैयारियां, बाजारों के फेरे, आप तो बता नहीं मुझे अमेरिका से पाकिस्तान शादी की तैयारी पे जाते हैं कि नहीं, यूरोप वाले तो जाते हैं, पिछले 10-12 साल से देख रही हूँ। हम दो चीजों के लिए फौरन सफर करते हैं, एक शादी और एक कोई मर गया तो उसको लेने देने के लिए। अल्लाह के नबी की शादियां भी हुई, आपके बच्चे भी फौत हुए। देखिए मिशन की जिंदगी है ना, ये जो लीकिंग बकेट है इसको समझिए। हम नमाज रोजा कर रहे हैं अल्लाह की तौफीक से कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि इससे एनर्जी मिले और उसके बाद फिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भागो, फस्तबिकुल खैरात, दौड़ धूप करो, अल्लाह की तरफ जाओ। हम अल्लाह से भाग रहे हैं, हम फफेरु इल्लाह नहीं, फफेरु मिनल्लाह, अल्लाह से भागो। मगरिब गई तो गई, बीच में कितनी शादियां हमारी एन मगरिब का टाइम होता और खाना खोल देते, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, हाय इतना टाइम रह गया, अच्छा 5 मिनट रह गए, खाना खोल दो। और 500 से 1000 बंदे की गैदरिंग, कोई कहते बात सुने मगरिब की नमाज, नहीं नहीं लोग खुद ही पढ़ लेंगे, नहीं जरा आप जाके माइक पे कह दें, नहीं ये माइक पे तो नहीं कह सकते ना, अच्छा जी शादी अरेंज किया हुआ है किधर है जी, वो उधर जाकर देखे ना, तो ब्राइडल रूम भी क्या जो बात कुछ पड़ी होती है ना, वहां 2 मसल्ले बिछाए होते हैं जिसको नमाज पढ़नी है, और कोई अल्लाह वाला आके ऐलान भी कर दे ना कि अच्छा जी नमाज का इंतजाम है, अच्छा जहाँ चले जाए तो पूरे 500-1000 बंदों में से 5-6 भी उठ के चले जाए तो बड़ी बात है। फिर हमारी शादियां बच्चे, आप सिर्फ फील तो करिए ना। देखिए मैं जो मुझे आपको लेक्चर देने का कोई शौक नहीं है, ना मैं देने आई हूँ, मैं सिर्फ आपको वो बात करना चाहती हूँ जो अल्लाह करे भला तो बतील हुआ अमालकुम, अपने अमाल बर्बाद ना करो, नेकी बर्बाद गुना लाजिम हो जाएगा। तो एक तरफ तो हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं अपनी खुशियों के नाम पर, अल्लाह 4 पैसे देते हमारी चाल बदल जाती है, हमारे अंदर एटीट्यूड आ जाता है। फिर एक और एंगल है जिसको जरा सा देखिए और वो क्या है, दीन के नाम पे बिदात, हम अपनी पसंद की नेकियां करके क्या चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला से क्या ले, रिवॉर्ड पूरा ले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसका खुलासा क्या है, मन आमिला, यानी मन आमिला जिसने अमल किया, कौन सा अमल किया जो कि अल्लाह के नबी ने नहीं किया, मन अमिला अमलन लैसा अलैही अम्रुना फहुवा रद्दुन। देखिए इससे आसान लफ्ज नहीं होंगे जो हम इस वक्त समझें, और इसको आप सीधी सी बात है इसको बिदात में ले आइए। हम दीन के नाम पर भी अमूमन वो अमाल कर रहे होते हैं जो अल्लाह के नबी ने नहीं किए होते। आज हमारा जो इंडो पाक कल्चर का दीन है ना वो बहुत डिफरेंट है,
अल्लाह के नबी वाले दीन से, मोहम्मद अरबी वाले दीन से आप इस बात को, ये सही मुस्लिम की रिवायत है 1718 नंबर की, तो इसको सामने रखकर सोच लीजिए कि हम अपने दीन के नाम के साथ कभी वाकई हकीकत में वो काम करें। आप खून के मारूफ लोगों से पूछिए, कुरान पढ़ने के तरीके देखिए। मसलन मैं दो चार लाम सिर्फ शोर को बेदार लेने के लिए करती हूँ, इसाले सवा सबको पता है, हसूले सवा सबको पता है, कुरान खानी सबको पता है, मिलाद सबके लिए नोन है, यानी रबीउल अव्वल आ गया तो मिलाद करा लेंगे, कोई फौत हो गया तो फातिहा खानी, किसी को बख्शना है कुलों वाले दिन या चालीसवें वाले दिन तो कुरान पढ़ता है। यानी किसी जगह बैठे बहुत सारे लोगों को कुरान पढ़ता हम देख लेना तो हमें शक पड़ जाता है कि कौन फौत हुआ। और अगर ये फहमे कुरान, ये तफहीमे कुरान, ये कुरान की अंडरस्टैंडिंग, तालीमे कुरान जिसको आप कहते हैं, इसके लिए कितने लोग उठते हैं। ये जो दौरे कुरान होगा ना रमजान में, जो इंशाल्लाह 10 दिन पहले शुरू हो जाएगा, लोग कहते हैं ये क्या होता है, नहीं 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 हमें, हमने कुरान पूरा करना है जी, 5 बारे पढ़ती हूँ मैं रोज के। 30 दिनों में लोग 3-3 दिन का भी कुरान पढ़ लेते हैं पूरा, 10-10 कुरान पढ़ते हैं, दौड़ लगी हुई। ये नोन है, ये मारूफ है, और कोई ये कायद रोकती नहीं कि बला तक फुमा लई सल कभी ही मिनिल, तो क्या पता चला, हैंडल विथ केयर। अब सवाल ये है कि आपको मुझे करना क्या है, नंबर एक नेक अमाल की कोशिश करनी है, लेकिन शिर्क और बिदात का शिकार होकर नहीं रहना। अगर आप नेक अमाल भी करें लेकिन आपके अमल में, आपके अकीदे में कोई खराबी आ जाती है, तो उससे क्या होगा कि किए हुए काम भी जाया हो जाते हैं। तो ये जो हमने लीकिंग बकेट का नाम लिया है ना, ये क्या है कि अमाल करके जाया कर देना। आप देखिए कि हम कुछ भी पका लें, चाहे दाल क्यों ना पकाएं, पकी हुई हंडिया गिर जाए ना तो हमें अफसोस होता है। कल क़यामत के दिन आमिलतुन नासिबात होंगे वो लोग कि जो के क्या होंगे, नेकियां कर कर के आए होंगे लेकिन जाया कर देंगे। हजरत उमर फारूक ने एक मौके पे देखा कि कोई नसरानी था, तो अपने चर्च कह लीजिए आज की जुबान में, शिरका कह लीजिए, वट एवर, तो वहां जाकर इबादत कर रहा था, बड़े तपाक से कर रहा था, तो इनकी आंखों में आंसू आ गए कि अल्लाह कर तो ये इखलास ही रहे ना। जैसे आप देखिए कोई हिंदू है तो बड़ी मोहब्बत से किसी बुत के आगे बैठ के पूजा पाठ करता है, तो इनकी आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे अल्लाह के नबी इनका क्या होगा, कर तो इबादत रहे ना, इनका क्या होगा। तो आपने कुरान की आयत पढ़ी, आमिलतुन नासिबा, ये वो आमाल हैं जिनमें, जिनका आखरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, मन अमीला मिनहुम अमल अल आखिरती लिद दुनिया लम यकुल लहू फिल आखिरती नसीबुन, इस उम्मत में से जिसने आखरत का अमल दुनिया के फायदे और दिखलावे के लिए किया, आखरत में इसका कोई हिस्सा नहीं। अब ये अमल कौन सा होता है, जरा सोचिए अपने जहन में लाइए, ये वो अमल जो आपने करना तो अल्लाह से अजर के लिए था लेकिन आपने दुनिया को दिखाने के लिए किया। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, आपके घर कोई आता है, बेल हुई, आपने दरवाजा खोला, सामने दो खवातीन थी, एक के हाथ में कोई गिफ्ट बैग था। अब जब वो गिफ्ट बैग उसके हाथ में देखा तो आपने अज्यूम किया कि वो आपके घर लाई है, क्योंकि आपके घर आई थी तो आपके लिए लाई, आपने आगे हाथ बढ़ा दिया और साथ ही बड़े प्यार से कह दिया क्या जरूरत थी, जो हम ऊपर ऊपर से कह रहे होते हैं। अच्छा अब उसने भी आगे कर, नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स माई प्लेयर, खुशी है, आप लेके अंदर आगे बैठ गए, अब क्या हुआ, चले गए वो। बाद में वो जो दूसरी साथी जो जरा आपसे ज्यादा बेतकल्लुफ थी, उसकी कॉल आ गई, कहती आपने क्या किया, भाई मैंने क्या किया, अरे वो आपके लिए थोड़ी लाइन थी, वो तो हम दोनों ने आपके घर से उड़कर आगे फुलान जगह किसी पार्टी में जाना था, कोई दावत थी, कोई मसला था, कोई हाउस वार्मिंग थी, जो भी समझ लें,
तो वो तो बेचारी उधर के लिए लाई थी, लेकिन जब भाव ने कह दिया तो वो फिर शर्मिंदगी की वजह से आपको कह दिया। सच बताइए, वो चाहे वो केक ही क्यों ना हो या वो कोई प्लेट ही क्यों ना हो, आपको उससे खुशी होगी। मेरा ख्याल है जब तक आप उसको देखते रहेंगे आप शर्मिंदगी के मारे एम्बेरेस्ड होंगे। तो ये है लीकिंग बकेट, बी अवेयर ऑफ द लीकिंग बकेट। क़यामत के दिन हमारे वो अमाल जो हमने अल्लाह के लिए नहीं किए, अपने लिए किए या कह लीजिए कि गलत तरीके से किए, उनके साथ ये होगा। आप किसी को पार्सल भेजें, बड़ा कीमती तोहफा लेकर या कुछ भी, एक दिन हुआ नहीं मिला, दूसरे दिन हुआ नहीं मिला, पूछें ये करें वो करें ट्रैक करें, बाद में बात क्या निकली कि एड्रेस गलत डाला था, और जिस एड्रेस पर डाला था वो पहुंच गया उधर, वो खत्म, आपको नहीं मिला, उसको नहीं मिला। एड्रेस गलत होना नीयत गलत होने से जुड़ी है, नीयत गलत होने से जुड़ी है, समझिए। जो अल्लाह के लिए काम नहीं है ना, मैं इस वक्त आपको एक छोटी सी टॉक दे रही हूँ, आपको लग रहा होगा मैं एक कुरान पढ़ा रही हूँ, मैं आपको इतनी मुश्किल अरबी ग्रामर बता रही हूँ बीच में, और आप कह रहे हाय हाय इनको पता नहीं कितना आता है, या जो भी आप सोच रहे हैं आपकी मर्जी है। आपको क्या पता मैं किस लिए पढ़ा रही हूँ, आप में से किसको मेरी आवाज या मेरे पढ़ाने या मेरी इस छोटी सी कोशिश से लग रहा है कि ये मेरी कोशिश अल्लाह के लिए? सिर्फ उसको लगेगा जो मेरी इस दर्द को महसूस करेगा कि मैं आपसे कोई रस्मी कलामी दर्द नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ। मेरा इस वक्त दिल जिस तरह कोई पूछे ना तो मैं कहती हूँ मेरी इतनी प्यारी बहनें हैं, अल्लाह क़यामत के दिन इनके साथ कोई हाथ ही ना हो जाए। और ख़ास तौर पर फिर हम जब नेकियों वाली बात करते हैं ना, देखिए मेरा भी तारुफ एक टीचर का है, आप एक स्टूडेंट बना लें अपने आप को, इल्म से मोहब्बत वाले रख लें, ये हॉल ये मस्जिद एहतमाम मेहनत हर एक का रोल है ना, कोशिश है ना। सोचिए कल क़यामत के दिन अल्लाह ने हमें खड़ा किया हो कटहरे में, बाकी सबको को जले दो। जब आपकी मेरी नस्बत कुरान की हो जाए, जब लोग आपको मुझे दीन के साथ जानने लगे, तो अपनी जुबान का अपनी आंख का कान का हर चीज का इस्तेमाल सोच के करिए। मैं अक्सर कहती हूँ कि कुरान पढ़ने वाला अपना नहीं रहता, ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है। अगर दीन वाला जरा सी कोई बात करेगा ना, जो कि सब करते हैं, मिसाल देती हूँ किसी महफिल में जाए ना और सारे बैठे हैं गीबते करने खुशकपियों के नाम पे, कोई कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला करे ना तो लोग कहेंगे वो कुरान पढ़ाती है गीबत करी थी, वो आपने देखे उनके स्काफ में से एक बाल दिख रहा था, वो देखे दाढ़ी रख के मियाँ साहब झूठ बोलते हैं, वो देखे मौलवी साहब को, वैसे तो बड़े मौलवी साहब है वो टेस्ला में घूमते हैं, दीनदार के लफ्ज के साथ दूसरों का नाम लगता है, ये एक ऑनर भी है और ये एहतियात भी है। इमाम बुखारी का वाक्य मैं 20 बार सुना चुकी हूँ, एक मौके पे जब वो किसी कश्ती में सवार थे, तवील सफर होते थे, ज्यादा रख साथ लिया जाता था, साथ दूसरा बैठा था बातचीत में, उस बंदे को बता दिया कि मेरे पास 1000 अशरफी है। वो बंदा जो सुन रहा था ना उसकी नीयत बिगड़ गई, थोड़ा सा कश्ती आगे गई तो एकदम उठा और शोर मचा दिया, लोगों मेरी 1000 अशरफियों की थैली थी गुम गई मिल नहीं रही मिल नहीं रही। वो जो लोग थे उन्होंने कहा कि किधर जानी है तो इधर ही है ना, सबकी तलाशी ले लेते हैं, होगी तो मिल जाएगी। उसकी चाल क्या थी कि जब इमाम बुखारी के पास से निकलेगी तो लोग नहीं मानेंगे ना कि इमाम बुखारी की है, इसकी है तो मुझे मिल जाएगी। तलाशी शुरू हो गई, सारी कश्ती छान मारी, ना अशरफी ना अशरफी का बच्चा, लोगों ने कहा बैठ जाओ आराम से, तू लाया ही नहीं, ये नहीं वो नहीं, चुप हो गए, बात क्या करते। और वक्त गुजर गया, कश्ती पार लग गई, कुछ अरसे के बाद वो शख्स इमाम बुखारी को कहीं मिल गया, फिर कहने लगा एक बात तो बताएं, जब आपके पास अशरफियां नहीं थी तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? और फिर ठीक है कि मेरा भी मेरे पे शैतान आ गया, मेरे भी दिमाग में ये बात आ गई वो हो गई, लेकिन आपने झूठ क्यों बोला? अब अगली बात ये सारे कुरान वाले सुने, मैं अपने आप को सुना रही हूँ, हम सब सुने। इमाम बुखारी ने कहा मेरे पास अशरफियां थी, कहा फिर तलाशी में निकली क्यों नहीं?
कहने लगे जब मैंने देखा ना कि तेरे ऊपर शैतान सवार हो गया, अब मैं लाख यकीन दिलाऊंगा ना कि ये मेरी है, लेकिन कश्ती वाले लोग नहीं मानेंगे, वो कहेंगे मैंने तेरी चुराई है। और मैं हदीस लेता हूँ, मैं नबी की हदीस लेता हूँ, मैं इल्म से जुड़ा हुआ हूँ, अगर आज मेरे दामन पे इस चोरी का इल्जाम लग गया, कल मुझसे कौन लेगा। कहते फिर आपने क्या किया? क्या मैंने चुपके से वो अशरमियाँ पकड़ के पानी में फेंक दी। दैट इज बी अवेयर ऑफ द लीकिंग बकेट। ये छोटी बात नहीं है, बहुत 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 क्रिटिकल मुकाम होता है। इस छत के ऊपर एक तलवार लटकी होती है। अगर दीनदार नरमी से बात करेगा ना तो लोगों को दीन नरम लगेगा, दीनदार सख्ती से बात करेगा तो लोगों को दीन सख्त लगेगा, दीनदार लोगों के साथ बद तहजीबी से बात करेगा ना तो लोगों को दीन बद तहजीब लगेगा, दीन का काम खूबसूरती से करेंगे ना तो लोगों को दीन खूबसूरत लगेगा, और दीन का काम फोहड़पने और भोंडेपन से करेंगे ना तो दीन ऐसा लगेगा। तो आप सबको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, ना दीन को बदनाम करें, ना अपने इदारों को बदनाम करें, ना अपने उस्तादों को बदनाम करें, क्योंकि ये लीकिंग बकेट होगा। कल लोग आप पे उंगलियां रखेंगे, वो फलां कुरान पढ़ती थी, हमने कुरान के नाम पे ये काम किया था, वो उसकी बेटी देखा क्या पहनती। लोग तो आपके मियां साहब को भी हाफिज और आलिम देखना चाहते हैं, लोग आपके बच्चों के भी एक एक हाल उलिया को देख के कहते हैं ये कुरान पढ़ाती हैं, देखें इनके बच्चे, ये देखें उनके। और जिसका बस चले वो आपको ताने मैंने भी दे देगा। पिछले 2 वीक पहले हम कहीं थे तो वहां कोई मामला था, और जो जुमला मेरे दिल को चीर के रह गया वो क्या था कि मैंने दीन के नाम पे ये रिश्ता किया था। किसी क्लास में 2 लोग आते थे, एक की बेटी थी एक का बेटा था, रिश्ता जोड़ दिया, शादी हो गई। फिर वो जो बाद में पता चला ना, वो पहले पता चल जाता तो रिश्ता नहीं होना था, लेकिन पता लग जाता तो कम से कम दीन बदनाम नहीं होना था। लोग कहते हैं हाफिज समझ के लड़के को बेटी दी थी, बाद में वो गे निकला। वल्लाही ये मैंने अपने कानों से सुना कुछ अरसा पहले, किसी और मुल्क की बात है। हमने तो आलिम समझ के दिया पर वो तो बीबी कुमार था। मत अपने ऊपर कोई फखर करे, मैं अपने आप को कह रही हूँ। लोग आपको इज्जत देने लग जाते हैं, आप समझते हैं आप इज्जतदार हैं, अल्लाह आजमा रहे हैं आपको, मुझे इज्जत देखे। यकीन करें हर वक्त दिल और ट्रिप्स के दौरान जैसे ये अब चल रहे हैं, मैं आपको अपना दिल नहीं खोल के दिखा सकते कि मैं अपने अल्लाह के सामने आंखें नहीं उठा सकती। मेरा दिल अंदर से जैसे वो मैरिनेटेड बोनलेस मीट नहीं होता कि दिल शुक्र तशक्कुर के जज्बे से कि अगर मेरे पास चॉइस हो ना, और अगर इस तरह कहे। अब देखिए एक कॉल आज दी, आप कितने लोग इधर बैठे हैं आप खुद देख लें, मुझे और क्या चाहिए। 1-2.5 घंटे का प्रोग्राम और इतने लोगों को फायदा दे जाऊं, कल उठती हूँ तो दूसरी जगह चली जाती हूँ, और कल जाना है आपको पता है कल कैंटन मस्जिद में दर्श है, मैं वहां जाती हूँ आपसे भी ज्यादा शौक रखने वाले, मुझे पता है उधर तैयार खड़े हैं। मुझे एक टीचर होने के नाते मुझे क्या चाहिए, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी ये 2 जोड़े और अपने 2 हैंड कैरी ऑन और बैगों के साथ गुजार दूं, मुझे और क्या चाहिए। ना मुझे कोई फिक्र ना लेने की ना देने की ना घर बनाने की ना कुछ की। लोग पूछते हैं आप किधर रहते हैं, आपका घर किधर है, मैं कहती हूँ एयरपोर्ट, गाड़ियां, हमें तो अच्छा लगता है, हमारे लिए कोई नहीं। लेकिन जो स्टेबिलिटी के साथ जो एक इंसानों की फसल तैयार होती है, वो जगह जहां से फिर हमारे बाद दीन का काम होगा, इसके लिए खून जलाना पड़ता है, खून जलाना पड़ता है। आप अपने दीन के काम को खुद महसूस करें, देखें क्या हो रहा है। ये मेरे कान पक गए हैं, जिस जगह से हम गुजरे हैं, जिस मुल्क से गुजरे हैं कोरोना से लेके आज तक, कान पक गए हैं मेरे के कोरोना के बाद दुनिया में जो चेंजेस आ गई हैं, कोई आने को तैयार नहीं है कहीं। वल्लाह ही मैं आज सोच रही थी 8-10-12-20 लोग होंगे, 25 होंगे, क्योंकि लोग कंफर्ट जोन के आदी हो गए। तो अगर अल्लाह आपको ले आया तो आज के इस दर्स को अपने लिए एक फूड फॉर द सोल सोचिए कि मेरा कोई अमल
मुझे बदनाम ना कर दे, मुझे अल्लाह के हाँ गुनाहगार ना कर दे, क्योंकि हम सब की जिंदगी में कुछ चीजें हैं। अब सिर्फ सोच बेदार करने के लिए आपको मैं कुछ शेयरिंग्स हैं पढ़ के सुना देती हूँ, जो आप तक भी पहुंची होंगी, कि कैसे नेकियां जाया होती हैं, नेकियां कैसे जाया हो रही हैं। आप अबाया और हिजाब पहनती हैं लेकिन परफ्यूम भी लगाती हैं, इट्स अ लीकिंग बकेट। मैं इस पे अपने कमेंट नहीं देना चाहती, आप में से अगर किसी का अमल है तो नसीहत ले लीजिए कि आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि कुछ चीज़ों से कुछ चीज़ें रिपेल हो जाती हैं, कुछ चीज़ें पीछे होती हैं। पता है, जब दीन की रूह नहीं होती ना, किसी ने मुझे उस दिन कहा कि ये कौन सा हिजाब है, मैंने कहा क्या बात, किसकी बात कर रही है, शादी थी कोई लड़की तक हिजाबी थी लेकिन जिस्म का एक एक अंग दिख रहा था, इवन जेवर भी जो इस तरह पहनाते हैं, और वो जो हिजाब भी वो एक और पोर्ट्रेट किस्म का फेस बन जाता है ना, खूबसूरती आती है, जैसे फ्रेम के अंदर तस्वीर लगती है ना तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है ना, बिल्कुल इसी तरह दुल्हन के चेहरे पे निकाह हिजाब डाल देते हैं, यानी अच्छे स्टाइल से बुंदे भी दिख रहे हैं, गला भी दिख रहा है और नीचे पूरी पाँव तक उसकी ब्यूटी है, और फिर मर्द औरतों में से गुजर रही है, इससे तो बहुत बेहतर। तो मैं अक्सर कहती हूँ ये हिजाब की औरतों में क्या जरूरत है, ना पहने, आप आज भी अभी भी इस वक्त उतार के रख दें, मैं भी उतार दूँ तो मुझे कोई त्रास नहीं है, आप भी उतार दे कुछ नहीं होता, लेकिन मैं अभी हिजाब पे मोती लगा लूं, सितारे लगा लूं, चमकियां लगा लूं, ट्विंकल ट्विंकल, क्योंकि मैं शादी पे जा रही हूं ना, तो मुझे ऐसे हिजाब से क्या मिलेगा, नहीं समझ, यानी बेशौरी की जो नेकियां होती है ना उसमें ऐसा ही होता है। तो हम सब अपने लिए सोचे, फिर इसी तरह से आप देखिए कि सुन्नत पर अमल करते हुए आपने दाढ़ी तो रख ली मगर नजरें नहीं झुकाई तो देखी जाया, पटर पटर देख रहे होते आंखें खोल खोल कर, वल्ला ही मैं किसी की अच्छाई या बुराई नहीं करने लगी, नॉर्वे में बहुत काम है जो मेरा ले वन ऑफ द बिग थिंग जो मैं को मिस करती हूँ ना वहां से आने के बाद, वो वॉक है, ये नहीं कि यहाँ जमीन नहीं है या वहाँ या नहीं, लेकिन कल्चर नहीं है वॉक का, अमेरिका में तो बिल्कुल ही नहीं है, 5 मिनट दूर भी जाते हैं तो गाड़ी पे जाते हैं, 15 मिनट इंतजार करते हैं गाड़ी आधे फिर जाएंगे, आप करते होंगे तो मुझे भी ले चलिए, कम लोग करते हैं, जितने लोग उतनी गाड़ियां हैं। अब आप सोचिए वॉक के दौरान जो मैं चीज फील करती हूँ, वहां एक ही ट्रैक्स होते हैं ना, बड़े चौड़े चौड़े ट्रैक, कोई नॉर्वेजियन बूढ़ा जवान या बच्चा आपके पास से गुजर जाता है, यकीन करें कि उसकी नजरें ऐसे झुकी होती हैं जैसे यागोदू में नफसारी है, क्या मजाल को आंख खोले। और कोई हमारे पाकिस्तानी देसी लोग, आप पाकिस्तान जाए ना, मुझे जिस चीज से घबराहट होती है ना, वो आप किसी जगह जाके गाड़ी रुकने से लेकर गाड़ी से निकलकर अंदर जाने तक, वो ड्राइवरों की, माली बाबाओं की और सड़क के इर्द गिर्द खड़े मर्दों लड़कों की नजरें गुबारा नहीं होते। हमें आज तक 70 साल से ऊपर हो गया, किसी ने नहीं सिखाया यगुद्दू में नफसारी है, यकीन करें। तो क्या ये हमारी नजरों की हिफाजत करना जरूरी नहीं है, जरूरत इस बात की कि माए से आप अपने बच्चों को, माशाल्लाह आपके नवासे पोते या आपके बच्चे 7-8 साल की उम्र से ऊपर जा रहे हैं ना, तो आप उनको सिखाएं बेटा नजरें नीचे रखते, घर में बहन है, माँ है, माँ को भी देखते हुए कहा नीचे नजरें रखे, घर में नजरें नीचे हो जाएंगी ना तो बाहर भी नीचे रहेंगी। तो ये छोटी छोटी नेकियां तरीके से भी सिखाई जा सकती हैं। फिर एक और चीज क्या है, आप क्या लिखा भाई इधर, मुझे तो खुद नहीं दिख रहा, आप पढ़ दें जरा, मैं बोल के, अच्छा आप पढ़ें तो मैं बोलती हूँ, यानी इन्नस्सलात तन्हानिल फख्शाई वल मुनकर नहीं है। आज हमें मुंह से बोल के बताना पड़ता है कि मैं 5 वक्त की नमाज वैसे पढ़ती हूँ, आप मेरे हाल उलिए पे ना रहे। एक सिस्टर थी लाड में, उसने कहा ठीक है लेकिन ये मैं बता दूं मैं नमाजें पूरी पढ़ती हूँ, बल्कि कहते हैं जरा बैठो मैं जल्दी से नमाज पढ़ के आ जाऊं ताकि फिर बैठ के आराम से बातें करेंगे। हाँ, तो नमाजें तो वक्त पे अदा की लेकिन परहेजगारी नहीं, तो दिस इज अ लीकिंग बकेट।
और फिर इसी तरह से आप देखिए कि शोर नहीं है, सीधी सी बात है, जो काम बचपन से हमने किया होता है ना, हमें वो करना आसान लगता है, और जो नहीं किया होता वो हमें करना मुश्किल लगता है। फिर इसी तरह से आप देखिए, लोगों के साथ तो बहुत मेहरबान है, माशाल्लाह नरम गो है, लेकिन अपने घर वालों के साथ हमेशा क्या करते हैं, बताइए ना। लोगों के साथ तो आप बहुत मेहरबान हैं, लेकिन अपने घर वालों के साथ क्या है, जरा सुना दें, आप सारी पढ़े, बल्कि मैं तो चाह भी रही हूँ कि आप ही पढ़ें, सुनाइए। लोगों के साथ तो आप बहुत मेहरबान और नरम गो हैं, लेकिन अपने घर वालों के साथ हमेशा सख्ती बरतते हैं, नेकी जाया। ये जो बात है ना कि डंडे के बगैर हिस्स नहीं होता, मैं घर में आता हूँ सब कुछ सांप सूंघ जाता है, ये कोई दीनदारी है? पढ़िए प्रॉफिट एट होम, कितने जॉली थे अपनी बीवियों के साथ, एक दूसरे के साथ कितना अच्छा मामला करते थे। इसी तरह आप गरीबों को बहुत सदका तो दे देते हैं, मैं अपनी तरफ से कहूंगी, मगर अपने घर की मासी की एक छुट्टी पे पैसे काट लेते हैं जी, सदका तो देते हैं मगर इनको जलील और दुखी भी करते हैं। और अल्लाह रहम करे अगर किसी दिन वो बिचारी आपसे कुछ एडवांस ले गई और उसे अगले दिन छुट्टी कर ली, तो आपने कहना भाग नमक हराम। अक्सर देखिए कि दो चीजों पे पाकिस्तानी खवातीन को, इंडिया का मुझे नहीं पता, और वो जितनी स्वीट सिस्टर्स होती हैं मुझे नहीं लगता वो ऐसा करती होंगी, लेकिन मैं अपने से खुद ही माजरत करते हुए, हमारे पाकिस्तानी कल्चर में अक्सर खवातीन की सुबह मासी की कीमत से होती है, आई नहीं, बैठ गई, कोई नहीं करना, कल ही पैसे लेके गई है, और जी और बस अल्लाह हमें हिदायत दे। आगे है, आप रात को तहज्जुद में क्याम करते, रोजे रखते और रोजाना कुरान पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना, और कुरान किस बात पे जोर देता है, उलुल अरहाम, सल्लिल अरहाम, रिश्तों को जोड़ना। हम अल्लाह के हकूक दे रहे हैं, क्याम कर रहे, रोजे रख रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन हम नहीं करते तो क्या नहीं करते, सिला रहमी नहीं करते। सिला रहमी कैसे नहीं करते, ये कुछ ना कुछ इधर से जी, यानी हाँ, आप मेहमानों की बहुत इज्जत और तकरीम करते हैं, मगर इनके जाने के बाद इनकी गीबत और इनकी कमियों को ताहियों का जिक्र करते हैं। ये तो हर दावत के बाद होते हैं, आओ जरा बैठो सुनाओ, फिर अल्लाह की बना, शादियों से होके जाकर लोग यही कुछ कर रहे होते हैं। और इसी तरह से रात को तहज्जुद में क्याम करते हैं, रोजे रखते हैं और रोजाना कुरान पढ़ते हैं, मगर कतई रहमी करते हैं। आप सब्र के साथ रोजा रख कर भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं, मगर गाली गलोच, बेहुर्मती और लान तान करते हैं। ये तो हम सब के लिए अपने अंदर से सोचने की बात है। आप दूसरों की मदद और फलाही काम अल्लाह की अजमत के लिए नहीं, बल्कि लोगों से फायदे पाने की खातिर करते हैं, अगर तो नेकी जाया। यानी हम सब के लिए जरूरी नहीं कि हर बात फिट होती हो, लेकिन जो कुछ भी होती है उसको सोचे। आप हर रोज नमाज पढ़ते और रोजे रखते हैं, ज़कात अदा करते और हर साल हज पे जाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन नाजायज ताल्लुकात और नफ्स की ख्वाहिशात में भी पढ़ते हैं। लोग क्या कहते हैं, मेरे मियाँ साहब बहुत नेक है बस नमाज नहीं पढ़ते, अच्छा फलां बहुत नेक है बस उनके किसी से ताल्लुकात है। देखिए ये जो अधूरी पिक्चर है ना इस वक्त इस्लाम की हमारे पास, वो ठीक नहीं है। हम अपनी जिंदगियों में अगर इसको थोड़ा सा वॉच आउट करें, और इसका सिंपल तरीका है कि हमें अल्लाह की मर्जी को जानना है। आप मुनाफिकाना बातें करते हैं, आप दूसरों की उदासी और आंसुओं में खुशी पाते हैं, तो समझ लीजिए कि नेकी जाया हो गई। आप नसीहत आमेज बातें पोस्ट करते हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपके हजारों पैरोकार यानी फॉलोअर्स हैं, मगर आप ये सब शोहरत के लिए कर रहे हैं और अल्लाह की खुशनुदी के लिए अगर नहीं करते तो नेकी जाया। अब जो करता है उसको इसकी फिक्र होनी चाहिए। असल बात यह है कि एक आईना है, ये सिर्फ चंद बातें, एक आईना है जिसमें हम अपने आप को देखें,
आप एक खूबसूरत पोस्ट पढ़कर भी इससे फायदा नहीं लेते, फायदा भी लेते हैं मगर जानबूझकर दूसरों को नहीं भेजते, क्योंकि वो आपके चैनल से नहीं आई होती ना, वो आपके प्लेटफॉर्म से नहीं आई होती ना। तो इससे भी जरा सोचिए कि एक मोमिन किस तरीके से अपनी नेकियों को जाया करता है और क्या उसका हाल होता है। फिर इसी तरह से लीक होने वाली बाल्टी से होशियार रहिए, जो हमारे नेक आमाल को गिराती है और हमारा नुकसान होता है। देखिए आपको अल्लामा इकबाल का एक शेर, उसका एक मिसरा सुना देती हूँ। कौम के दिल से एहसास जिया जाता रहा। क्या है ये जुमला? एक तो होता है कि आपकी टूटी लीक कर रही है तो आप इलाज करेंगे। नीचे आप एक बॉर डब्बा रखते हैं, आप एक घंटे बाद जाते हैं वो भरा होता है, पूरी रात में बाल्टी पूरी जाया होती है, आप कहते हैं सुने रोज का इतना पानी जाया हो रहा है, गर्म पानी जाया हो रहा है। आप फौरन अगले दिन किसी को बुलाएंगे, ठीक ठाक कर लेंगे ताकि नुकसान ना हो। अगर आपको एहसास ही ना हो कि ये कुछ हो रहा है तो आप कभी नहीं करेंगे। इस वक्त हमारा हाल पता क्या है? वी डोंट नो दैट वी डोंट नो। कुछ लोग होते हैं दे नो दैट दे डोंट नो, वो जानते हैं कि हम नहीं जानते तो सीख लेंगे ना, इल्म ले लेंगे। कुछ लोग ये जानते ही नहीं कि वो नहीं जानते, वो कैसे सीखेंगे। तो जरूरत है इस बात की कि हम अपने ऊपर चेक रखें और इन चीजों को देखें। तो लिहाजा अपने तमाम नेक आमाल को सुराहों वाली बास्केट में नहीं डालना। कोई कीमती चीज इंसान कभी भी ऐसे नहीं डालता, आप इसको भरने की कोशिश में लगे रहते हैं मगर सुराहों की वजह से ये खाली होती रहती है। अल्लाह ताला हम सब को हकीकी नेक आमाल करने की तौफीक भी दे और हमारे आमाल को ज़ाया होने से भी बचाए। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना इलाज करें। क्या इलाज है इस सारे अमल से बचने का? हम सब अपने बारे में सोचें। और इसका इलाज कुरान में। आप में से जो साथी कोई ऐसा है जो नूरुल कुरान प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ जानना चाहता है, उसको नहीं पता, वो हाथ खड़ा करे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, आपको आगे हम क्या दे रहे हैं, या चले ये जानना चाहते हैं कि इससे अगला लेक्चर क्या है, कहाँ है। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आपकी खातिर सबका फायदा हो जाएगा। देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा लेक्चर इस सीरीज का हिस्सा था जो बैनर आपके सामने है इस वक्त। ये हमारा मेन वेबसाइट के ऊपर वो पेज है जिससे आप अगले भी प्रोग्राम्स देख सकते हैं। noorulquran.com आप खोलेंगे, नूर के लफ्ज को यू से लिखेंगे, NURUL, ठीक है, लफ्ज डबल ओ नहीं लगना, बाकी स्पेलिंग वही है जो हम सब लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई गैप नहीं है, कोई डैश नहीं है, कोई कैप्स लॉक नहीं है, noorulquran.com। इधर आज कुछ कार्ड्स छोटे आपके लिए लेकर आए थे, वो जो ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखे हैं ना, इनमें से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक एक चीज, एक एक सब कुछ जो कुछ इधर आपको दिख रहा है ना, ये बुक भी, ये कैलेंडर भी दीजिएगा, एक चीज हर तरह की एक चीज मुझे दे दे, आई कैन शो देम, ओके। और मुझे इधर वो चीजें नहीं दिख रही जो QR कोड्स हैं। अब ये थोड़ा सा वक्त इसलिए, हमारे पास अभी वक्त बहुत है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप लोग घुले मिले बस एक दे दीजिए और वो पीछे जो पेपर्स हैं ना उनमें से लाइए। पता नहीं आप लोगों ने वो लिफाफा खोला कि नहीं खोला। उसी काले बैग के ऊपर वाले हिस्से में जिप के अंदर पूरा एक पोस्ट हुआ है, देखिए अब सारे सुन रहे हैं, हमारी बातें नेट से भी जा रही हैं, सारे सुन रहे हैं। काले ब्लैक बैग की तरह जिसमें साउंड सिस्टम आया था उसके अंदर है ये सब कुछ। और ये बुक भी दीजिए जी सिस्टर्स, ये कार्ड आप सब ले जाएं, एक एक घर एक ले जाएं, ज्यादा ले जाएं, फिर इसकी तस्वीर खींच कर अपने पास भी रख लें और जहां भी कोई मिले उसको दे दें। इस पे मेन वेबसाइट भी लिखी हुई है noorulquran.com, ठीक है, ये कह लीजिए विजिटिंग कार्ड है, अपने पास पर्स में भी रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर ये पेज हमारा इस वक्त खुला हुआ है, आप इसको देखना चाहें जरा खोल के, अगर रियल वेबसाइट भी कोई दिखा सके एडमिन आप में तो दिखा दें। तो कल का लेक्चर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आप ही के इस स्टेट और सिटी से कैंटन मस्जिद में है, 11 बजे से एक है, 11 से 1 है, कोई आया हुआ उधर से कैंटन से, आप लोग आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे साथ मिलके जाना चाहें तो बिस्मिल्लाह, लेकिन कल वहां लेक्चर। और कल का हमारा टॉपिक क्या है किसी को पता? कुछ नहीं पता। आपके लिए बाहर एक बैनर भी रखा है सिस्टर, सुनिए एक मिनट,
घबराए बगैर इसको आराम से खोलिए जी, ये वाला लाइए। ये दौर आपने इब्राहिम की तलाश में हर तरह का एक चीज निकालना है जी। ये जहाँ सनम का क्या है, ये जहाँ सनम कदा, चारों तरफ बुत है और ये दुनिया इब्राहिम का इंतजार करे। बहुत स्पिरिचुअल टॉपिक है, कल हम पढ़ेंगे कि आज ये दुनिया कैसे इब्राहिम की तलाश कर रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझना है। ठीक है, कल ये होगा इंशाल्लाह। इसके बाद आप इसी में से खोलकर देखते जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा डबलिन कोलंबस ओहायो में है, जो वो भी 11 से 1 ही है। ओहायो की स्टेट में हम निकल चुके होंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रहेगी तो उसका भी टॉपिक आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या है कि उससे आगे फिर अल्लाह के हुक्म से हम लोग इंशाल्लाह नैशविल में जाएंगे, वहाँ भी लेक्चर है। नेक्स्ट स्टॉप जो है वो मेम्फिस में है, टेनेसी में, और उसके बाद फिर अटलांटा के लेक्चर्स शुरू हो जाएंगे। ये तो है इस पेज के साथ आपका ताल्लुक और तारुफ। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमारे सब के लिए पूरे साल का बीज बनती है दिलों में ईमान डालने के लिए, वो है जी दौरा कुरान। मैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट और अपने शौक के लिए पूछ सकती हूँ कि आप में से कभी किसी ने नूरुल कुरान के प्लेटफॉर्म से कोई दौरे कुरान सुना या अटेंड किया तो हैंड रेज करें। और भी एक ब्लू कलर का है, ये कुछ नहीं है जी, खड़े क्या, सॉरी हाथ तो खड़े हैं पर जितने लोग हैं माशाल्लाह अभी बहुत सारों को सुनने के। कभी कोई दौरे कुरान नहीं सुना आपने नूरुल कुरान का, किसी को पता है स्टाइल सुनते जी? चले बैठ जाइए आप, मैं बाद में दिखा दूंगी, नो इश्यूज। ये देखिए स्क्रीन पे सिस्टर्स आपके पास एक क्यूआर कोड दिखा हुआ है, ऐसे ही क्यूआर कोड ये आप लोगों के लिए प्रिंटेड फॉर्म में हम डिफरेंट जगहों पे इधर लगा देंगे। हॉल काफी बड़ा है, बाहर भी है इधर भी है। आप लोग बाद में क्या करेंगे, ये मिडल वाला क्यूआर कोड अपना फोन उसका कैमरा खोलिए और इसकी तरफ इसके करीब करेंगे थोड़ा सा तो आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, है ना? खुल जा समसम, जादू तो नहीं कहती लेकिन पहले तो घंटों लगते थे हमें फोन नंबर लेने एड्रेस समझाने में, अब ये बस ये जायचे तावीज जिसको आजकल प्यार से क्यूआर कोड कहते हैं। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं याद, कोई मेमोरी पे बोझ ना डालें, ना नंबर याद करें ना नाम याद करें, क्यूआर कोड पे आ जाएंगे। ये सिंपल है, ये आप सब कर लें बारी बारी, आपको बाद में मौका देंगे ना, तो इसके बाद आपका काम काफी खत्म हो जाएगा। इसी ग्रुप में बाद में सारी इंफॉर्मेशन भी आएंगी, इसमें दौरे कुरान की ऑडियोज भी आएंगी, फिलहाल इसमें तस्किया के छोटे छोटे सेशंस भी आते हैं, और अगर आप इसमें बाद में दूसरों भी अपने साथियों को ऐड करना चाहें तो वो तरीका भी वो मुझे पता है कि आपको बता देंगे। फिर इस पेपर पे ये जो दूसरा है, ये वाला रेड जिसपे लिखा है, ये मिडल के बाद रेड साइड है ना, ये है हम ये वाला कोड जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे ब्राउन सा दिख रहा है। इसमें ये है कि आपको इस साल का जो नया दौरा कुरान 24 है, आप इसको करना चाहते हैं हमारे साथ लाइव, आप उसकी यानी रिक्वायरमेंट नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने की जरूरत, ये सब जगह जाने हैं, इसको लोग कर लेंगे इधर इस मस्जिद के भी नोटिस बोर्ड्स पे लगवा देंगे, आज यहाँ भी इधर करवा दें, इनके हाथों में देने का फायदा ही कोई नहीं है, वो तो तय कर करा के बैगों में रख लेंगे, हाथों में देने वाली चीज नहीं है ये। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला आप हमारे इस साल की DQ लिस्ट में आपको खुद अपना नाम नंबर लिखना पड़ेगा, फॉर्म खुलेगा तो फिर इंशाल्लाह आपको इस साल की इंफॉर्मेशन मिलेंगी। अगर आप उसको संजीदगी के साथ एक सर्टिफिकेशन के लिए करना चाहेंगे तो वो सारी इंफॉर्मेशन होगी। आई डोंट नो हमारे साथी हमारे साथ है नहीं, वरना हमारा वेब पे ये पेज आ चुका है। वेबसाइट जब खोलेंगे तो आपको दौरे कुरान का एक बैनर दिखेगा, जाके क्लिक करेंगे तो आप इस पे पहुंच जाएंगे। एक आखिरी चीज जिसके लिए माशाल्लाह ये हमारे पास एक फॉर्म भी मौजूद है, और वो क्या है कि आप इधर आपके शहर में मिलकर बैठकर सुनना चाहते हैं, अजान सुनते हैं,
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وبس مقام ومحمودا. تو الحمد لله سيسر جي آپ کے سامنے ایک فلائر ہے. ये हमारे इस साल के रमज़ान प्रोग्राम का प्रेप सेमेस्टर है जिसमें हम आपको रमज़ान से एक हफ़्ता पहले ज़हनी तौर पे तैयार करने की कोशिश करते हैं कि रमज़ान आने वाला है. ठीक है, इसका नाम ज़ादुल ख़ैर होता है. इसकी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं. इधर से ही जब से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है आपके पास इधर ही आपके शहर में ये जगह है, उसका एड्रेस है, ये आप लोग डिस्ट्रीब्यूट बाद में कर भी सकते हैं. और जिसको एक भी पेपर मिले इसको एक अमानत समझ के रखिए, तस्वीर खींच लें, दूसरों को दें, किसी जगह लगा दें. तो ये जो मस्जिद है रिचर्डसन की, शायद क्या कह रहे थे, जामिया मस्जिद ऑफ, ये आप सिस्टर्स इनसे समझ लीजिएगा. ये देखिए ये ऊपर जो है ना लिखा हुआ, ये इस प्रोग्राम का, ये इसके अंदर है सुबह 10:30 से लेकर 1 बजे. बस फिर आपको आदत डलेगी, उसी में आगे जाकर इंशाल्लाह फिर हमारा दौरे कुरान होगा. ये है इस साल के दौरे कुरान का फ्लायर जिसमें हम अल्लाह ताला की मदद से बहुत सारी बातें ऐसी सीखेंगे जिसकी आज के दौर में हमें ज़रूरत है और आप इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठाएंगे. कुछ चीजें आपको खुद पूछने पे बता दी जाएंगी, आप उससे फायदा उठा लेंगे. बीच में मैंने अपनी एक क्लास का तस्करा किया था, उसका नाम है लूलू वल मरजान. हर जुमे को 10 बजे से 1 बजे 3 घंटे की वो क्लास होती है जिसमें आप लोगों को, यानी कह लीजिए कि स्पेशली जो साथी कुरान क्लासेस कंडक्ट करते हैं, खुद पढ़ाते हैं या एडमिन्स हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे इसमें तज़किया तरबियत, उसमें हम कुरान की सूरतों की इन डेप्थ तफसीर करते हैं. आप उसको लेना चाहें तो वो भी, इसका आपको इधर हमारे पास एक ब्लू कलर का पेपर है, उसके QR कोड को क्लिक करेंगे तो आप उस क्लास में आ जाएंगे. अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो. जज़ाकअल्लाह खैर. बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे, बड़े सुकून से आपने सुना. गो के आज काफ़ी चीज़ें मेरे लिए थोड़ी सी हैक्टिक रही, लेकिन मैं इसको भी इंजॉय करती हूँ कि बंदे को अपनी औकात समझ आ जाती है और अल्लाह पे नज़र रखनी चाहिए ना. ये बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है. थोड़े से बचे होंगे क्योंकि महीने का आखिर है, मतलब ये ट्रिप का आखिर है. ये हमारे कार्ड्स हैं, यानी जैसे कैलेंडर होते हैं ना, टेबल कैलेंडर, आप इसको एज अ बुक भी यूज़ कर सकते हैं. कार्ड पेपर है, इससे यह है कि आप दुआएं याद करना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ सिखाने के लिए, अपने डाइनिंग टेबल पे खोल कर एक दुआ रख दीजिए, आप भी याद करें पूरा हफ्ता उसको, बच्चे भी याद करें. बख्शिश की दुआ है, डिफरेंट डबल कार्ड है दोनों तरफ है ना. और इसको आप गिफ्ट के लिए ले लें अगर हैं, ये मेरे हाल इसका कुछ हदिया है. और ये सारा ऑफकोर्स फिर दोबारा इसी की प्रोपोगेशन में जाता है. अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो जाए. जज़ाकुमुल्लाह खैर. छोटी सी दुआ करते हैं सोच के साथ कि आज का ये दिन, आज का ये लेक्चर हमारे लिए अल्लाह के हाँ गवाही का जरिया बन जाए.
Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم الهمني رشدي وعزني من شر نفسي يا الله ہم سب کا یہ چھوٹا سا عمل قبول فرما اس میں میری طرف سے جو کمی کوتاہی رہی مجھے معاف فرما اور یا اللہ ان سب کو جو ایفرٹ قربانی کوشش کرنا اس میں یا اللہ تو نے اس کا موقع دیا وہ ان سے راضی ہو جا اور ہم سب کے لیے ان محفلوں کو ہمارے دلوں کی تبدیلی کا ذریعہ بننے والا بنا یا اللہ آنے والے اس رمضان کو ہمارے لیے خیر اور یہ محبت کا ذریعہ بنا ہم اس قرآن کے ذریعے تیرا قرب پا سکیں یا اللہ امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرما اور یا اللہ پوری دنیا میں اس وقت مسلمان جس مشکل سے گزر رہے ہیں ہمیں آج پتہ چل گیا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہم عبادات کے نام پہ عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہم اپنے ان اعمال کی حفاظت نہیں کر پاتے جس کے بعد تیری مدد آتی ہے اور یہی سبق ہم سیکھیں گے اس سال کے دورے قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان تک زندہ رکھنا اس رمضان کی بھرپور خیر سمیٹنے والا بنا دینا اس خیر کے پیغام کو آگے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والا بنا دے اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم زندگی میں بدلاؤ لائیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو بھی اپنائیں اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما اور یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما اور یا اللہ ان کا جیسا ایمان ہے ہمیں بھی اپنی نسلوں کو ایسا ہی ایمان دے کر دنیا سے جانے والا بنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھوڑا سا ڈسپلن کے لیے